सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बुक्स एंड ऑथर्स और ये हमारा स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक रहने वाला है और ये वाला जो टॉपिक है इसको हम ये मतलब पहला टॉपिक होगा जो हम सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू करेंगे बिकॉज इसमें कोई थ्योरी की नीड नहीं आई होप है ना क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा है ना तो एक बार कंफर्म कर देंगे आ, कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं देन वी शल स्टार्ट आज के लेक्चर और कोई मतलब नॉइस तो नहीं आ रहा ना बैकग्राउंड से मतलब बताना एक बार हल्का सा वॉइस आई थिंक आ रहा होगा थोड़ा बहुत कुछ पंखे की वॉइस आ रही है क्या एक बार बताना गुड इवनिंग सभी को एक बार कंफर्म कर देना कि कुछ बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रहा है ऑल ओके ओके ठीक है फैन का आ रहा है नहीं सर ए का आ ए सी चल ही नहीं रहा तो कहाँ से आ रहा होगा एसी का ऑल क्लियर सर पंखा चल रहा है सर फैन साउंड चलो मैं थोड़ा सा इसको और डिप करता हूँ। चलिए अभी आई थिंक सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी है ना आ रहा है आ रहा है आ रहा है ओके मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए है ना एक्चुअली है क्या कि आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट लोकेशन से क्लास ले रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि फ़ैन की वॉइस बस हल्की से आ रही हो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बीच बीच में हो सकता है कुछ नहीं होगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं और शुरू करिए पहला क्वेश्चन आज पहली बार होगा कि हम लोग सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं गोल इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ और बड़े ध्यान से मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगले एक घंटे के लिए एकदम फोकस हो जाइए जो फोकस होगा ना उसको यार लगेगा कि भाई क्या लेक्चर था मज़ा आ गया एकदम ठीक है काफ़ी सारी बुक्स याद हो गई कुछ बुक्स हमें बस याद करनी रह गई और जिसको जिसने फोकस नहीं कर पाया यहाँ पर तो उसको यही लगता रहेगा कि यार कितना डिफ़िकल्ट टॉपिक है एंड देखिए बुक्स एंड ऑथर्स ऐसा टॉपिक है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि भाई आप कितनी बुक्स एंड बुक्स पढ़ लोगे अनंत हैं लेकिन हमें दो बुक्स पे फोकस करना है वो दो तरह की बुक्स कौन सी हैं एक वो जो एवरग्रीन टाइप हैं जैसे कि हमारे ए पी अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी हो गई या फिर कुछ और जैसे कि पंडित रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी हो गई ठीक है और मान लो ये बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी हो गई नेल्सन मंडेला की हो गई महात्मा गांधी हो गई तो ये ये कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई या फिर कुछ फेमस जैसे अरुंधति रॉय की बुक हो गई हमारे ये सलमान रश्दी की अमिताभ घोष की शशि थरूर की इन लपलों की जो बुक्स हैं वो एवरग्रीन टाइप हैं दूसरी वो होती हैं जो किसी कारणवश हो सकता है या फिर कुछ एग्जामिनर का इसमें मूड चल रहा हो तो वो न्यूज़ में है और न्यूज़ इन सेंस नॉट न्यूज़ मैं बोलूँगा वो बोलूँगा कि भाई इस समय रीसेंट ट्रेंड में चल रही हैं वो एस के एग्ज़ाम्स में तो क्योंकि यहाँ पर हमने लिए हैं क्या यहाँ पे हमने लिए हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम अभी कंडक्ट किए गए एस एस के द्वारा तो उन्हीं के क्वेश्चंस लिए हैं तो जो रीसेंट ट्रेंड वाला वो भी हो जाएगा और एवरग्रीन वाला तो अपने आप हो ही जाने वाला है सिंपल ठीक है एवरग्रीन वाला तो होना ही होना है एवरग्रीन है तो मतलब एवरग्रीन वो हमेशा से पूछा जा रहा है तो इसमें भी पूछा क्या होगा ठीक है रफली हम यहाँ पर आपको तो एक आइडिया भी दे देता हूँ कि कितने क्या करने वाले हैं तो 80 क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन बहुत सारी बुक्स रहेंगी आपकी बिकॉज ऑप्शन में भी हम खेल लेंगे कि भाई ये किसने लिखी वो किसने लिखी है जहाँ पर नीडेड रहेगा और मैं लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी सेट ऑफ बुक्स बताऊँगा ठीक है तो आप ये मान सकते हो कि रफली 200 प्लस आपकी यहाँ पे हो जाने वाली हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ध्यान से एकदम है ना और किसी को लगता है कि भाई इसको याद करने की टेक्निक ये हो सकती है तो प्लीज़ इसको कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा ठीक है सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना चलिए तो स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा गोल इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ठीक है गोल इज़ दी ऑटो बायोग्राफी हाँ बहुत लोग यूपीएससी का पूछ रहे हैं बताएंगे तुम्हें हम लास्ट में ठीक है गोल इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ तो गोल कौन करता है भाई गोल करने के लिए हम किसे जानते हैं तो इनका रोज का नाटक हो गया है ये मैं हमारे पेन टैब साहब का ठीक है इनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा जल्दी चलिए तो गोल अगर हम बात करें किसकी ऑटोबायोग्राफी है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैरी कॉम मेजर ध्यानचंद माइक टाइसन तो भाई माइक टाइसन और मैरी कॉम का गोल से कोई लेना देना नहीं है बॉक्सिंग से लेना देना है ना तो रोनाल्डो या फिर मेजर ध्यानचंद तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद इनके नाम पे हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाने वाला अवार्ड है दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था और रिसेंटली जो अभी राजीव अ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये किन दो हमारे इंपॉर्टेंट फेमस दो बैडमिंटन प्लेयर्स को दिया गया है बताइए जरा कॉमेंट में जल्दी से हुआ अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवल तमस तमस का ऑथर कौन है परसाई राकेश मासूम रजा या फिर भीष्म सहानी तो तमस का ऑथर कौन है और पहले मैं पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ सभी का सही आंसर है तो आ, सात्विक साई राज रन की रेड्डी और चिराग शेट्टी ठीक है ये दोनों लोग हमारे आ, अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है ठीक है तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं चिराग एंड सात्विक ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ तमस किसने लिखी है तो भीष्म सहानी इससे याद कर सकते हो कि भाई जब कोई भस्म मतलब आग में भस्म हो जाता है जब बहुत जोर की तमस लगती है तमस मतलब भाप लगती है है ना मतलब गर्मी लगती है, है ना तमस को आई थिंक होता नहीं तमस रजस जो गुण होते हैं तो तमस का मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वही होता है कि बहुत ज़्यादा जिसके अंदर गर्मी होती है ठीक है तो तो वो तमस बोलते हैं तो तमस मतलब जब भीष्म है ना भीष्म भीष्म और तमस भीष्म का लगता ही है ये थोड़ा सा फायरी टाइप का वर्ड अगला हमारा दैट इज़ हु रोट द बुक इफ गॉड वॉज अ बैंकर इफ गॉड वॉज अ बैंकर ये बुक किसने लिखी है रवि सुब्रमण्यम अमिताभ घोष झुम्पा लहरी या फिर अश्विन सांघी तो इफ़ गॉड वॉज अ बैंकर किसने लिखी है तो ये हमारी लिखी है रवि सुब्रमण्यम जी ने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है अमिताभ घोष जी की अगर हम बुक्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस बार के लिए बिकॉज़ अमिताभ घोष जी को अभी रिसेंटली हम लोगों ने करेंट अफेयर्स में पढ़ा था अरेसमस प्राइज मिला था इनको फॉर हिज राइटिंग्स ऑन दी विद रिलेटेड टू दी एनवायरमेंट ठीक है अमिताभ घोष जी की कुछ और बुक्स की बात करें तो सी ऑफ पॉपीज़ सी ऑफ पॉपीज दी हंगरी टाइड द हंगरी टाइड ये कुछ इनकी किताब्स हैं सी ऑफ पॉपीज दिवर ऑफ स्मोक ठीक है रिवर ऑफ स्मोक वहीं अगर बात करें झुम्पा लहरी जी की तो झुम्पा लहरी की यार तुम में से कितने लोगों ने कोई पढ़ी है झुम्पा लहरी की कोई पोएम टाइप मतलब याद तो नहीं यार मैंने पोएम पढ़ी थी स्टोरी पढ़ी थी लेकिन आई थिंक क्लास इलेवेंथ या ट्वेल्थ में थी और तब हम लोग झुम्पा को, जुम्पा को जुम्पा मतलब काट uh, के बप्पी लहरी लिख दिया करते थे <laughs> बप्पी लहरी जो है आपको पता होगा है ना अभी तो इनकी डेथ हो गई लेकिन काफ़ी फेमस म्यूजिशियन है आप जानते होंगे अपने नाम जरूर सुना होगा तो खैर क्योंकि हमें पता है कि भाई लहरी है तो बप्पी लहरी हमने बस एक ही नाम सुना था तो झुम्पा लहरी की अगर बात करें इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द नेम सेक द नेम सेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज देखो बुक्स बहुत सारी हैं इन लोगों की भी क्योंकि ये तो ऑथर इनका काम ही है लिखना लेकिन जो एग्जाम में पूछता जो इंपॉर्टेंट है आपकी ठीक है इंटरप्रेटर ऑफ मैले अनअकस्टम्ड अर्थ ठीक है अन अनस्टम्ड अर्थ ठीक है तो अमिताभ घोष और झुम्पा लहरी अश्विन सांगी एस सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑथर नहीं है तो हम नहीं देखेंगे अगला है हमारा हु अमंग फॉलोइंग इज द द ऑथर ऑफ दॉवेल मैला आंचल मैला अंचल मैला अंचल, अंचल आंचल आप जानते हो मैला मतलब जो डर्टी हो तो निम्नलिखित में से किसने लिखी है कमलेश्वर आ, फनीश्वर रात आ, नाथ रेणु हरी शंकर परसाई या फिर काशीनाथ सिंह तो ऐसे याद रखो जो रेणु लड़की है उसका आंचल जो है मेला है बाकी सब तो देख लो मेल के नाम है ना मेल के तो रेणु जी जो है हमारी रेणु जी का ही आंचल मेला है रेणू फीमेल नेम है ठीक है द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क इज़ द डेब्यू नॉवल ऑफ तो किसकी है रविंदर सिंह ईरा त्रिवेदी सिद्धार्थ धनवंत धनवंत संग साघवी है ना संघवी या फिर संघवी संघवी होगा ठीक है और ऑप्शन है आपका चौथा द निकिता सिंह ठीक है तो द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क ये होगा आपका डस्क का मतलब क्या होता है डस्क डॉन का मतलब होता है सुबह और डस्क का मतलब होता है शाम को तो ये लिखिए सिद्धार्थ धनवंत सांगवीना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा वो अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ मैन सर्च फॉर मीनिंग निम्नलिखित में से कौन मैन सर्च फॉर मीनिंग के ऑथर हैं लेंसिंग एली विजिल विक्टर ई फ्रेंकल या फिर एडिथ ईगर तो सही आंसर होगा मैन सर्च फॉर मीनिंग विक्टर ई फ्रैंकल एक्चुअल में जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हिटलर ने जो ये बनवाए थे ना नाजी कंसनट्रेशन कैंप्स जहाँ पे लोगों को रखा जाता था तो वहाँ की स्टोरी इन्होंने शेयर किया कि किस तरह से मतलब वहाँ पे इनको जब इन्होंने ये चीज़ ये अपनी बुक से बताने की कोशिश करी कि जब आदमी को सफरिंग होती है ना तब उसको एक्चुअल में रियल मीनिंग ऑफ लाइफ पता चलता है इसलिए सफ़रिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ तो उसको हमें एज अ पार्ट मानना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी इंडिया आफ्टर गांधी किसकी किताब है द हिस्ट्री मतलब पूरा किताब का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रामचंद्र गुहा अनुजा चौहान रविंदर सिंह या फिर संध्या मेनन तो ये है इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा जब आप में से काफ़ी लोग मुझे पता है यूपीएससी पी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन के बाद क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कि सर यूपीएससी के लिए क्या कैसे तो आपको काफ़ी एडवाइस मिलेगी किताब पढ़ने की मत पढ़िएगा इसको ठीक है मेरी एडवाइस मानिएगा इसको मत पढ़िएगा इसका जब सिलेक्शन हो जाए तब पढ़िएगा या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हो तब ये आखिर वाली किताब है ये है ना शुरू से लेके इसको मत बैठ जाना अगर फर्दर आप यू की प्रिपरेशन करो तो एडवाइस आपको ज़रूर मिलेगी लेकिन द नावल द माउंटेन ऑफ़ लाइट इज रिटर्न बाई तो ये नॉवल ये उपन्यास किसने लिखा है ये अनुकृति उपाध्याय ने लिखा है मीनू कंदा स्वामी ने लिखा है इंदू सुंदर सुंदरेशन ने लिखा है और या फिर जरीन खान ने लिखा है द माउंटेन ऑफ लाइट पता है किसका मतलब होता है ये द माउंटेन ऑफ लाइट आपने कोहिनूर सुना है कोहिनूर इज़ अ पर्शियन टर्म और कोहिनूर का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता है दैट इज़ द माउंटेन ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर बुक में इंदु सुंदर सुंदर ने ये पूरी जर्नी यहाँ पे बताई है कि किस तरह से किस तरह से कोहिनूर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है आपको मैंने हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ाई होगी पक्का कि कहाँ कहाँ से कहाँ से औरिजिनेट होता है और कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है तो सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से होता है जो कोल्लूर माइन है ठीक है जो कोल्लूर माइन है आपकी यहाँ से ओरिजिनेट होता है कर्नाटक वाले जो रीजन है यहाँ पे ओरिजिनेट होता है और ये जो काकातिया डायनेस्टी मैंने आपको बताया था इसने निकाला था इसको ककातियाज की कैपिटल क्या हुआ करती थी ज़रा बताइए तो यहाँ से निकलता है देन इसके बाद ये पहुँचता है किसके बाद मुगल मुगलों के पास पहुँचता है ये जब मुगल्स के अंडर में इनका किंगडम आ जाता है तो मुगल्स में होता है हमारा शाहजहाँ शाहजहाँ का एक पीकॉक थ्रोन होता है मैंने आपको शाहजहां मैंने आपको बताया था कि उसकी पीकॉक थ्रोन की वैल्यू कितनी भयंकर थी तो पिकॉक थ्रोन में ये जड़ा हुआ था कोहिनूर जिसको चुरा के ले गया था कौन नादिर शाह इन द सेवनटीन ईयर सेवनटीन थर्टी नाइन ये मैं बता रहा हूँ सो दैट आपका वो पार्ट भी रिवाइज़ होता चले ठीक है नादिर शाह और जरा बताइए चलो ठीक है अभी सेवनटीन थर्टी नाइन में नादिर शाह ने जो है इन्वेजन किया और वो ले गया देन ये पहले अफगान्स के पास पहुँचा पर्शियंस के पास पहुँचा देन ये हमारे सिख किंगडम के पास गया इन द ईयर एटीन फोर्टी नाइन इन द ईयर एटीन फोटी नाइन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन होती है सेकेंड एंग्लो और कोई बफरिंग तो देखने नहीं मिली ना क्योंकि यार थोड़ा सा लाइट वाइट आई आई थिंक है ना चलो तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है इसके टाइम पे महाराजा दिलीप सिंह थे उनकी उम्र आई थिंक ऐसी होगी दस साल से कमी थी उनकी महाराजा दिलीप सिंह दिलीप सिंह करके लिखते थे दिलीप सिंह आप बोल सकते हो तो उन्होंने दे दिया था किसको इस सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में जो ट्रीटी हुई थी उसके तहत नहीं रंजीत सिंह ने नहीं ना ना दिलीप सिंह ने उन्होंने दे दिया था किसको ब्रिटिशर्स को दे दिया था और उसके बाद ये ब्रिटिशर्स के पास कंप्लीटली पहुँच गया ठीक है अगला हमारा आई नो वाई दी केज्ड बर्ड सिंग्स इज इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सर आपने जितना फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री बैच पढ़ाया वो क्या नेवी के लिए इनफ है हाँ बिल्कुल इनफ है आइशू सर कल की वीडियो दिख नहीं रही है हाँ जी क्योंकि ये बैच की वीडियोज़ हैं इसलिए नहीं दिख रही होंगी आपको है ना क्योंकि वो प्राइवेट हो जाती हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बाद अंधा टू आधे घंटे के बाद मुझे पता है कि पिंजरे में बंद पक्षी अब इस तरह से नहीं पूछेगा ध्यान रखना इस तरह से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यही पूछेगा हिंदी में वो तो हिंदी जब मतलब ट्रांसलेशन किया गया तो वो हो गया लेकिन आपसे इसी तरह पूछेगा जैसे इंग्लिश में लिखा है माया एंजलो ठीक है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा यहाँ पर मिशल जो ओबामा हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी है बराक ओबामा की वाइफ हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है बिकमिंग अगला हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ हु इज द ऑथर ऑफ़ द हैरी पॉटर एंड द प्रेजनर ऑफ़ दी असकबान हैरी पॉटर एंड द प्रेजनर ऑफ असकबान के लेखक कौन है स्टीफन किंग जॉर्ज जिलियट जे के रॉलिंग या फिर सलमान रशदी तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सभी लोग जानते हैं आई थिंक ठीक है सी जे के रॉलिंग जे के रॉलिंग जो है इसके ऑथर हैं सलमान रशदी की अगर बात करें तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि मिड नाइट चिल्ड्रेन ये ध्यान रखना है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है मिड नाइट चिल्ड्रेन द मूस लास्ट साय द मूस लास्ट साय और आपको ऐसे ही याद रखनी है ऐसे मत सोचिएगा कि आपको हिंदी में मतलब कुछ अलग से नाम याद रखना आपको द सैटनिक वर्सेस दैटनिक वर्सेस राइट अगला क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ नॉट एन ऑटोबायग्रफी ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन निम्निखित में से कौन से एक खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है स्टेनो थर्टींथ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और वो डजेंट मैटर कि स्टनो में सी पी ओ में है सी एच एस एल में सी जी एल में डजेंट मैटर यार ठीक है क्योंकि वो ऐसा तो है ना इस वालों के लिए अलग से ये बुक है सी जी एल के वालों के लिए अलग से ये बुक्स हैं ना तो पहली बात तो एकदम या ये बुक्स एंड ऑर्थ एसियन टॉपिक ही नहीं कोई भी टॉपिक हो ठीक है कोई आपका भेदभाव टाइप नहीं होना चाहिए उसमें नॉट एन ऑटोबाग्रफी फॉर स्पोर्ट्स पर्सन द रेस ऑफ माई लाइफ ये हमारे मिल्खा सिंह जी की है ठीक है मिल्खा सिंह करेज एंड कन्विक्शन ये नहीं है ऑटोबायोग्राफी ये है आपके जो जनरल वी के सिंह हैं जनरल वी के सिंह हैं जो अभी करेंट गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं तो करेज एंड कन्विक्शन उनके बुक है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट ये किसकी है? है, किस है ये है कपिल देव जी की ठीक है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट एंड प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर और इनके को ऑथर कौन है बोरिया मजूमदार ठीक है सचिन तेंदुलकर एंड को ऑथर इज़ बोरिया मजूमदार अगला क्वेश्चन है हमारा ट्वेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इन ऑटोबायग्राफी ऑफ द फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन बिल क्लिंटन की इसमें से कौन सी ऑटोबायग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम माई कंट्री माई लाइफ माई लाइफ और बिकमिंग बिकमिंग हम पढ़ चुके हैं अभी मिशल ओबामा की है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है नैलसन मंडेला जी की है जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं माई कंट्री माई लाइफ ये हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी की है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको पता है लाल कृष्ण अडवाणी जी को अभी क्या मिला है भारत रत्न जो है इनको अभी मिला है अलॉन्ग विध फोर अदर पर्सन ठीक है मतलब अलॉन्ग मतलब, विदर मिला के, के पांच लोग हैं टोटल और माई लाइफ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तो देख सकते हैं कि आप एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को इन तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की है माई लाइफ द मोर्स लास्ट साई अभी थोड़ी देर पहले बताया इसके ऑथर कौन है वी एस नैपॉल जॉन की किरण दोषी या फिर सलमान रशदी द तो मूस लास्ट साई सलमान रशदी की है मड नाइट चिल्ड्रन एकदम फोकस के साथ एकदम बनाए रखिएगा आपको याद हो जाएंगे अगर आप फोकस अपना इधर उधर खोएंगे नहीं काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लगे होंगे बिल्कुल लगे रहिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को हम इस तरह से याद कर सकते हैं डेफिनेटली उसको प्रोडक्टिव बनाइए राधा दयान की ये वो इधर उधर का ठीक है तो सलमान रश्दी इसका आंसर हो जाएगा तो मिड नाइट चिल्ड्रन हम बार बार उसको रिवाइज करेंगे ना तो जो इंपॉर्टेंट वाली बुक्स हैं इंपॉर्टेंट ऑथर्स की वो हमें याद हो जाएंगी तो हमने क्या क्या याद किया था मिडनाइट नाइट चिल्ड्रेन द मोस्ट लास्ट आई याद किया था सलमान सलमान रशदी और द दैटनिक वर्सेस ये इंपॉर्टेंट है याद रखना द ग्रेट इंडियन नावल इज रिटन बाय डैश इन विच ही बेस द महाभारत एज फ्रेम वर्क फॉर इज सैटेरिकल नावल द ग्रेट इंडियन नावल जहाँ पर महाभारत को सैटेरिकल वे में लिखा था शशि थरूर सरोजिनी नायडू कुलदीप नायर या फिर खुशवंत सिंह तो देखो खुशवंत सिंह हम पढ़ेंगे आगे ट्रेन टू पाकिस्तान ट्रेन टू पाकिस्तान और इनकी एक और बुक है टी से ही वो स्टार्ट होते नाम उसका दैट इज ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस ठीक है वो भी हम आगे देखेंगे ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस सरोजनी नायडू आपको पता है हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था इनके रिस्पेक्ट में सरोजनी नायडू क्या पढ़ा था हमने कि शी इज़ फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर पहली महिला राज्यपाल है भारत की भारत के किस राज्य की उत्तर प्रदेश की आंसर यहाँ पे शशि थरूर होगा ऑप्शन नंबर ए काफी ग्रेट मतलब हम बोल सकते हैं ऑथर है ना कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और मतलब काफ़ी बढ़िया पर्सनालिटी भी है और आपने देखा होगा बाकी तो मतलब क्योंकि मेरे फादर रहे, रहे हैं वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में तो उन्होंने मतलब थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया काफ़ी लोगों को तो बताया करते थे जब भी कि मतलब इनके आई थिंक बताते थे कुछ बीमारी है मतलब उससे थोड़ा सा पता नहीं क्या लिक्विड टाइप निकलता रहता है इनके ठीक है खैर लेकिन काफ़ी बढ़िया पर्सनैलिटी इनकी तो शशि थरूर जी जिसको नासूर बोलते हैं थिंक हिंदी में तो शशि थरूर जी की अगर बात करें तो द ग्रेट इंडियन नॉवल हो गई और कौन कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वाई आई एम हिंदू ठीक है वाई आई एम अ हिंदू एन एरा ऑफ डार्कनेस एन एरा ऑफ डार्कनेस ये इनकी बुक का नाम है एंड अम्बेडकर अ लाइफ ठीक है अम्बेडकर अफ द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कवर पेज पर हैं द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिख नहीं रहा हूँ बट ध्यान रखना दैराडो पैराडॉक्सिकल द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइडिस प्रजटिस एंड पंड पंडिट्री का मतलब क्या होता है कोई बताएगा क्या मतलब होता है इसका अगला है हमारा हु इज यू ऑर्थर ऑफ द नॉवल बिफोर वी विजिट द गॉडे चित्रा बनर्जी दिवकुरुनी झुम्पा लही अरुंधति रॉय किरण दोषी देखिए बिफोर वे विजिट द दॉडेस अब अरुंधति रॉय की मैंने आपको नहीं बताई ना अभी तो ध्यान रखना एक दो तीन इंपॉर्टेंट इनकी किताब है एक तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट किताब है इसीलिए इसी बुक के लिए इनको बुक प्राइस भी मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी है और द मिनिस्ट्री ऑफ अट मोस्ट हैप्पीनेस द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इनकी किताब का नाम है और कौन सी किताब है इनकी ये हो गई गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग हो गई मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हो गई एंड एन ऑर्डिनरी मींस एन ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी मैंस गाइड टू एम्पायर मैंस गाइड टू एम्पायर ये भी इन्हीं की बुक का नाम है ठीक है आंसर यहाँ पे होगा चित्रा बनर्जी Uh, दिव्य कुर्नी ठीक है बिफोर वे विजिट द गॉडेस झुम्पा लहरी की तो होगी नहीं बिकॉज झुम्पा लहरी हमने uh, इनकी अभी देख ली झुम्पा लहरी की एक तो नेम से एक देखी थी इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज देखी थी और तीसरी कौन देखी थी uh, अन अकस्टम डर्थ ठीक है तो वो तो होगा नहीं यहाँ पे चित्रा बनर्जी दिव्या ही होंगी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है अगला हुआ मंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन राइटिंग अ मेमोर ऑफ द क्राफ्ट किसने बुक लिखी है ऑन राइटिंग अ मेमोर ऑफ द क्राफ्ट ऑप्शन हैं आपके सर uh, uh, हाँ जी वो मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा ठीक है एफ स्कॉट फिज गार्ड क्लाइव स्टेपल्स लुइस अर्नस्ट हेमिंग वे एफ स्टीफन किंग तो स्टीफन किंग इसके ऑथर है थोड़ा सा देख लीजिएगा स्टीफन किंग ऑन राइटिंग अ मेमोर ऑफ द क्राफ्ट तो राजा लोग इस तरह से मेमोर लिखते हैं इस तरह से कुछ आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो राजा लोग हैं वो थोड़ा सा मेमोर टाइप लिखते हैं अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आर ग्लास ऑफ टाइम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन पॉलिटन अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम इक्स भारतीय राजनेता की आत्मकथा है ग्रेन ऑफ अच्छा आर ग्लास पता है तुम में से कितने लोगों को ऑनेस्टली बताना पता कितने लोगों को पता है आर गिलास अच्छा मुझे नहीं पता था और ग्लास आप में से ही किसी ने मुझे बताया था ठीक है ऐसे ही मतलब किसी स्टूडेंट से चैटिंग हो रही थी तो उसने बोला कि सर आर ग्लास मैंने कहा आर ग्लास ये घंटा गिलास क्या होता है भाई <laughs> तो फिर उसने बताया कि अरे वो ये फिर भेजाता मुझे पता चला अच्छा इसको आवर ग्लास बोलते हैं पता तो था ये कुछ होता है जो ऊपर से रेत गिरती बालू गिरती है लेकिन नाम नहीं पता था इसका तो पहली बार हमें नाम पता चला कि अच्छा इसको आर ग्लास ही बोलते हैं ठीक है तो आर ग्लास ही किसने लिखी है आई के गुजराल मनमोहन सिंह अर्जुन सिंह या फिर एल के अडवाणी तो ये लिखिए अर्जुन सिंह ने ऑप्शन नंबर नहीं पता <laughs> पता है अच्छा नीचे से ऊपर करना नहीं पता ये तो पता ही था hmm. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा अर्जुन सिंह अगला हमारा विषय तो फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा का क्या नाम है जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे और जरा कमेंट में बताइए अब तुम्हारी पॉलिटी चेक करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इनको क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए थे इलेक्शन नहीं हुआ था इस तरह से कि भाई चलो राजेंद्र प्रसाद के लिए जिस तरह से अभी हम इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ते हैं आर्टिकल 54 में आर्टिकल 55 में मेथड ऑफ इलेक्शन पढ़ते हैं प्रेसिडेंट का तो उस तरह से नहीं हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान सभा ने इनको चुना था कब वो डेट बताइए जब इनको वो किया गया था शॉर्ट एट हिस्ट्री नहीं शॉर्ट एट हिस्ट्री ध्यान रखना ये अभिनव बिंद्रा जी की है ये अभिनव बिंद्रा जी की है माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण अडवाणी जी की है आत्मकथा होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा डेट इज 24 जनवरी 1950 हमने इसी डेट को पढ़ा था कि नेशनल एंथम और तेरह दिसंबर नहीं गलत 24 जनवरी 1950 यश कपिल सही है यश कपिल का सिर्फ सही है बाकी वॉन्ड्रर का सही है बाकी अंकिता साहू का सही है प्रतु का सही है बाकी तो यार गलत दिए हो तुम लोग ठीक है 24 जनवरी 1950 मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट नहीं पूछ रहा हूँ ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे परमानेंट राजेंद्र प्रसाद थे मैं पूछ रहा हूँ इंडिया का प्रेसिडेंट वो 24 जनवरी 1950 जिस दिन हमने नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था और नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था बताइए कमेंट में जल्दी से और कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को कब रेटिफाई किया था अभी पॉलिटी का लेक्चर हुआ था कुछ ही दिन पहले वन शॉट है ना तो उसमें तो आप में से काफी लोगों ने देखा ही होगा विच आर तो द फॉलोइंग बुक्स बाकी जिन लोगों ने अगर नहीं किया पॉलिटी तो कोई दिक्कत वाली लोड लेने वाली बात नहीं है है ना और अगर नहीं भी आंसर बता पाएं तो थोड़ा सा लोड लेने की बात है कि क्यों नहीं मतलब रिविजन क्योंकि मैंने बताया तो होगा पक्का ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बिन रिटन और नाश... चलो पहले वो कर लेते हैं तो नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 एंड कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया मे 1949 में तो बुक आफ प्राइज विनर किरण देसाई की कि इनमें से कौन सी किताब है शांताराम फाइन, फाइन बैलेंस अ ईयर ऑफ रनवेज द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट लॉस बताइए तो किरण देसाई जी की अगर कर बात करें तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस होगी इसके अलावा एक और याद रखिएगा ऑफ एम्ब्लब्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है एम्बलेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर अंदर अग्यासी अंदर अग्ञासी जो कि इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या मी बिकमिंग टू मैनी रीजन टू लिव ओपन एन ऑटोबायोग्राफी तो बिकमिंग तो देख चुके हैं मिशिल ओबामा की है मी अगर बात करें तो एल्टन जॉनसन की है एल्टन जॉन ठीक है एंड uh, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी ये आंसर होगा बिकॉज टू मनी ये इनकी ऑटोबायग्राफी इंद्रा गासी को टू मैनी रीजन्स टू लिव ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी इनका नाम है रॉब बरो ठीक है इनका नाम है रॉब बरो काफ़ी फेमस रग्बी प्लेयर हैं ये इनकी पहले की फ़ोटो है और ये इनकी करंट फोटो है करंट स्टेट है आप देख पा रहे हो कि किस तरह से क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने यही सेम चीज़ के बारे में किस चीज़ के बारे में इनको एक न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर है डिज़ीज़ है जिसकी वजह से आज मतलब आप ये देख पा रहे हैं कि ये व्हील चेयर में है अपने टाइम के वन ऑफ द फास्टेस्ट रग्बी प्लेयर थे ये ठीक है बट अभी ये इसका ये इनका जो हाल है ये न्यूरो जो न्यूरॉन डिजीज़ है वो उन्होंने किया और कुछ ही साल में सब कु, कुछ हो गया ठीक है तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक जितना भी टाइम इनके पास है जितनी भी लाइफ है तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं जीने के है ना तो ये थोड़ी सबके लिए इंस्परेशनल टाइप हो सकती है कि भाई अगले ही पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है ठीक है तो इसलिए आपको पता है क्या करना है? है तो सत्यजीत रे यहां पे अब बात ये किस तरह का नाम है थोड़ा सा गेस करना है ऐसे एक एनडीए में हम्म, मैंने बताया था पी वाई क्यू में है ना हाँ तो सत्यजीत रे एक बार इंडिया में क्वेश्चन पूछा था जैसे कि हमने पढ़ा था तत्व बोधनी पत्रिका पढ़ा था किसने पब्लिश की थी तत्व बोधनी पत्रिका जरा बताइए कमेंट में हिस्ट्री भी आपकी रिवाइज हो कर हो जाएगी इसी बहाने <coughs> तो मैंने तत्व बोधनी पत्रिका इंडिया में पूछा था अब बोधनी वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है और ऊपर से देवेंद्र टैगोर ने इसको जो है लिखा था तत्व बोधनी सभा बनाई थी एटीन में जिसको कि ब्रह्म समाज से मर्ज किया था उन्होंने अगर आपको याद हो एंड तत्व बोधनी पत्रिका जो उन्होंने पब्लिश करी थी तो बंगाल सिंपल वो बंगाली थे तो बंगाल में सत्यजीत रे भी तो हमारे बंगाली हैं तो बंगाली लैंग्वेज में ही किया होगा उन्होंने ऑप्शन नंबर सी अगला हमारा हुआ दॉलोइंग नॉवेल कुली दैट कंसेंट्रेटेड ऑन सोशलमाइजरी कॉज बाई इन ह्यूमैनिटी निम्नलिखित में से किसने आ, किसने कुली उपन्यास लिखा था जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक दुख पर केंद्रित है आर के नारायण जी मुल्कराज आनंद वी एस नाइपॉल या फिर विजय तेंदुलकर कुली पूछा ना तो मुल्कराज आनंद ऑप्शन नंबर बी आ, हाँ ठीक है आर के नारायण ने तो मालगुड़ी डेज़ लिखी है ठीक है ध्यान रखना इन्होंने मालगुड़ी डेज़ लिखी है आर के नारायण साहब ने और भी बुक, बुक्स हैं जैसे आर के नारायण की तीन बुक्स याद रखना मालगुड़ी डेज हो गई दी गाइड हो गई एंड दी डार्क रूम हो गई ठीक है दी डार्क रूम ये तीन आपको बुक्स याद रखनी है मुल्क राज आनंद जी की अगर कर बात करें तो इनकी ये कुली देख ली हमने अनटचेबल याद रखिएगा ये पूछता है इन लोगों की दोनों लोग की बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये ऑथर ठीक है उथर, जहां पे इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे तो वहाँ पे मैं अलग से बता दूंगा तो थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके उसको याद कर लेना क्योंकि आज जैसे आर के नाना और मल्क दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिसेंट अभी जितने एग्जाम्स हुए हैं एस के सब में पूछा गया है दोनों लोगों के बारे में ठीक है तो अनटचेबल द स्वॉर्ड एंड द सिकल एंड सेवन समर्स सेवन समर्स एकरॉस द ब्लैक वाटर्स द ब्लैक वाटर्स अच्छा एक मूवी थी कौन सी यार आ, एक स्टार गोल्ड करके पहले चैनल नहीं आता था, था उसमें एक मूवी थी ब्लैक करके ब्लैक वाटर ही थी क्या वो काला पानी ब्लैक वाटर उसमें एक मगरमच्छ का दिखाया जाता है किस तरह मगरमच्छ वो सबको एक एक करके धीरे धीरे अच्छा तुम लोगों ने कालो मूवी देखी है जिसमें अपना वो अभिजीत रहता है सी वाला <laughs> उसी तरह की कुछ थी वो थी बट वो हॉलीवुड मूवी थी जिसमें दिखाता है किस तरह से मगरमच्छ सबको खा लेता वो मैंने पहली हॉलीवुड मूवी देखी थी अब शायद उसका नाम ब्लैक वाटर ही था मतलब पहली हॉलीवुड मूवी थी वो मेरी हु हुआ दी हैड रिटन द डार्क रूम दैट प्रेजेंट्स एन इंडियन वुमेन इन स्टिफ पोजिशन टू मेल डोमिनेशन किसकी किताब है द डार्क रूम ऑप्शन है आपके आर के नारायण अच्छा ठीक है आर के नारायण मुल्क राज आनंद काजी नजरुल इस्लाम या फिर कुलदीप नायर तो अभी मैंने अभी बताया ना आपको द डार्क रूम किसकी है मुल्क सॉरी आर के नारायण जी की है देखें देखें अच्छा ये सर ब्लैक वाटर है सर इन्हें नोट करना है क्या देखिए अगर आप बैच में तो नोट्स तो आपको मिल जाएंगे तो नोट नहीं करना है और अगर आप नहीं हैं तो नोट कर लीजिए हैं और फिर भी अगर नोट करना चाहते हैं क्योंकि खुद जब आप लिखते हो ना साथ साथ तो याद जल्दी हो जाता है याद जल्दी होता है और देर समय तक याद रहता है लिखने से तो इस वजह से मैं एडवाइस करूँगा कि अगर बैच में तो फिर भी अगर आप लिख सकें तो इट वुड बी बेटर टाइम की किल्लत है कोई बात नहीं नोट्स आपको मिलेंगे आर नारायण ऑप्शन नंबर अभी मैंने आपको बताया फिर से रिवाइज करते हैं मालगोली डेज द गाइड और द डार्क रूम आर के नारायण जी की है ठीक है नारायण नारायण ठीक है द सोल ऑफ बटल बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी मोहम्मद अली जेक लमोटा रोबर्थो अल्बर्थो डेल रियो रॉबर्तो ड्यूरान या फिर यूगन जय बुलर्ड तो किसकी द सोल ऑफ बटरफ्लाई तो यह है मोहम्मद अली जो द ग्रेट बॉक्सर हैं अभी एक हफ़्ते पहले आपने देखा होगा द ग्रेट अंडरटेकर ने डबलू डब्ल्यू ई के हॉल ऑफ फेम में इनको इंक्लूड किया है मोहम्मद अली को तो मोहम्मद अली और इनकी जो वाइफ है हना अली उन दोनों लोगों ने मिल के जो है ये लिखा है द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन अ लाइफ जर्नी हुआ अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द को ऑथर्स ऑफ द बुक द क्रैकिंग दी कोड माई जर्न इन बॉलीवुड हर्षवर्धन कपूर कौन सा कोड क्रैक किए हैं भैया ही अभी इनका तो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी आयुष्मान खुराना या फिर राजकुमार राव तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान खुराना अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नॉवल विक्रम चंद्रा शशि थरूर अश्विन सांगी या फिर रस्किन बॉन्ड <laughs> तो अब शशि थरू तो होंगे नहीं क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट वाली थी वो मैंने आपको बता दी है ठीक है इसी वैसे जो भी आ रहा है तो मैं मैं आपको बताता चल रहा हूँ ठीक है विक्रम चंद्रा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है शशि थरू नहीं होगा रस्किन बॉन्ड भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बॉन्ड जी की याद रखना एक है अ हैंड फुल ऑफ नट्स अ हैंड फुल ऑफ नट्स ठीक है अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हुज ऑटोबॉय्राफीज टाइटल बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक वेरी इंपॉर्टेंट गेस करिए बछेंद्री पाल शी इज द फर्स्ट इंडियन वेमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट संतोष यादव फर्स्ट इंडियन वेमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस अरुण्यमा सिमा फर्स्ट फीमेल एमपीटी इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट आपको इनकी स्टोरी पता होनी चाहिए एंड इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल ठीक है कि इनका uh, 24 साल की उम्र में ये शी वॉज अ वॉलीबॉल शी वॉज अ वॉलीबॉल प्लेयर वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स बताइए वैसे तो अभी हमने पढ़ा नहीं है बट फिर भी बताइए तो इनकी आ, जो कुछ थीव्स थे चोर थे ट्रेन में उनसे इनकी फ़ाइट करते वक्त इनको ये जो है ट्रेन की पटरी के नीचे आ गई और इनका ये जो बायां पैर है जो लेफ़्ट लेग है वो कट गया जैसा कि आप अपनी पिक्चर पे देख पा रहे हैं इंस्पाइट ऑफ दैट दैट डिटेंट बिकेम अ बैरियर ऑन हर लाइफ मिशन और इन्होंने ये मतलब सोचा कि भाई मुझको खुद को पिटी फील नहीं करवाना किसी दूसरे से कि भाई मुझ पर कोई दया करे एंड शी बिकम द फर्स्ट फीमेल एमपिटी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट हैट्स ऑफ टू अरुमा मैम अरुणिमा मैम ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा और क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था hmm, क्या क्वेश्चन पूछा था खुद ही बोल के चलो आगे बढ़ते हैं हूज ऑटोबायोग्राफीज टाइटल बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन वही सेम है यार क्वेश्चन तो हु मंग दी फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ़ द बुक सीता एंड इलस्टेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण तो जब भी इस तरह का सीता या फिर देवलोक ठीक है देवदूत इस तरह के जब क्वेश्चन आए हाँ छः वॉली वॉली वॉल में कितने होते हैं छः हो, होते हैं ठीक है छः होते हैं और ट्रेविल्स बीट दी ट्रैवल्स यार तुमने तो कल काफ़ी पिलाई वलाई कर दी मतलब <laughs> सबसे आई थिंक फोर्थ फास्टेस्ट सेंचुरी वहाँ थी कैसा फील कर रहे हो बताओ असली तो, तो तुम ही हो यहाँ पे सीता एंड इलेस्टेटेड रिटेलिंग ऑफ दी रामायण तो किसकी है तो ध्यान रखना जब भी इस तरह से भगवान के नाम पे हो ना या तो देवदत्त पटनायक होगा या तो हमारे अमीश त्रिपाठी जी होंगे जैसे देवलोक है तो वो भी देवदत्त पटनायक ने लिखी है सीता इन्होंने लिखी है गीता करके एक किताब है गीता वो भी देवदत्त पटनायक ने लिखी है देवो देव के नाम आपको देवदत्त पटनायक जी के बुक में ही देखने को मिलेंगे अमीश त्रिपा अमीश त्रिपाठी जी की अगर बात करें इमोटल्स ऑफ मेलुहा इम मॉटल्स ऑफ मेलुहा द सीक्रेट ऑफ नागाज ठीक है द सीक्रेट ऑफ नागाज अच्छा एक बात है कि वैसे तो मैंने आई के मैच देखे नहीं लेकिन दोनों जो मैच थे ना ये राइजर्स हैदराबाद के और ये तीसरे स्कैन ऑफ एक ये आमिष त्रिपाठी के दोनों मैच ना जो 270 रन बनाए थे और कल जो दो दोनों मैंने देखे <laughs> मतलब मैंने कुछ ही मैच देखे मुश्किल थे चार पांच देखेंगे मैंने मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें से दो मैच पूरे मैंने देखे जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने क़ायदे की पिटाई करी विच अफ्रीकन लीडर रोट ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो किस अफ्रीकी नेता ने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी रॉबर्ट मुगाबे नेल्सन मंडेला मोहम्मद गद्दाफी या फिर डस्मन टूटू टूटू <laughs> Uh, मेरी भतीजी वो दूध को ड्यूटू बोलती है ठीक <laughs> है तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या आंसर होगा इसका तो ये नेल्सन मंडेला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा अच्छा एक ध्यान रखना दैट इज़ फ्रीडम इन एग्जाइल फ्रीडम इन एग्ज़ाइल कोई बताएगा ये किसकी है फ्रीडम इन एग्जाइल ये है हमारी फोर्टीनथ दलाई लामा जो हैं दलाई लामा एक पोस्ट है है ना नाम नहीं है दलाई लामा ये अभी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं हमारे जो तिब्बतन जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा जी वे चो द फॉलोइंग जो भी कभी आपने देखा होगा धर्मशाला जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर जब भी मैच होता है तो दलाई लामा मिलने ज़रूर जाते हैं पिछला जो मैच हुआ मुझे याद है जब यह हुआ था तो मैं वहीं पर था हिमाचल में ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक न्यूजीलैंड के बीच में वो मैच था ठीक है तो ये लोग मिलने गए थे वहां पे वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने लिखित में से कौन प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा है अ शॉर्ट एट हिस्ट्री द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ सेंचुरी इज नॉट इनफ मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभी बताया था अभिनव बिंद्रा जी की है ड्रीम्स ऑफ रेवोल्यूशन नहीं अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ऑप्शन नंबर सी अच्छा बताइए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड नो स्पिन ये किसकी है तो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ है युवराज सिंह की ठीक है एंड no नो स्पिन किसकी है ये शेन वॉन की है शेन वॉन की स्टेट फ्रॉम माय हार्ट कपिल देव की है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आपने देखा होगा विराट कोहली है ना ने एक पिक पोस्ट करी थी किताब पढ़ते वक्त पिता किताब पढ़ते हुए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ध्यान द्या, रखना है हमने एक किताब का नाम मैंने आपको बताया था जल्दी से रिकॉल करी हिस्ट्री पढ़ाते तो वक्त ये वही है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी अठारह सौ पचहत्तर एटीन सेवेंटी फाइव में गो बैक टू वेदास इंडिया फॉर इंडियंस जैसे स्लोगन्स दिए थे और शुद्धि मूवमेंट प्योरीफिकेशन मूवमेंट इन्होंने चलाया था और इनकी किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश है ना कुछ हिंदी में भी लिख देते हैं सत्यार्थ प्रकाश बात करें यहाँ पे परमहंस योगानंद सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करें तो कर्मयोग राजयोग ये इनकी किताब के नाम है कर्मयोग राजयोग ये भी मतलब पतली पतली किताब है कभी टाइम मिले तो मतलब सलेक्शन के बाद पढ़िएगा बहुत पतली पतली किताबें तीस ये आई थिंक एक कर्मयोग आई थिंक तीस रुपए की बीस तीस रुपए की मिली थी और ये ऐसे ये थोड़ी सी मोटी है राजयोग वाली राजयोग थी कर्मयोग थी और एक और थी कोई यूकर्मी और एक और कोई थी याद नहीं आ रहा ठीक है तो रामकृष्ण परमहंस ये इनके गुरु का नाम था स्वामी विवेकानंद जी का और इनके नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी थी कब करी थी ये बताएंगे आप कमेंट में हुआ मैंग दी फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड अ अमेमोर आई थिंक देख चुके हैं भी है ना किसकी है नहीं नहीं देखा ये ये प्रियंका चोपड़ा की ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ करीना कपूर की तो इन्होंने प्रेगनेंसी पर लिखी थी एंड दैट वॉज प्रेग्नेंसी बाइबल uh, करके ठीक है प्रेगनेंसी बाइबल लिखी थी इन्होंने अगला देखते हैं और आ, और एक ध्यान रखना ये मेमोइ करके है ना तो मेमोरीज ऑफ लाइफ अगर पूछ ले मेमोइस चल क्यों वो नहीं रहा भाई इसका बीच बीच में नाटक शुरू हो ही हो जाता है इसी में मेरा फिर दिमाग ख़राब हो जाता है ठीक है द मेमोइस यहाँ पे ले देता तो हूँ मैं दम मेमोइस uh, नहीं था मेमोरीज था द मेमोरीज ऑफ माई लाइफ ये ध्यान रखना या फिर आई थिंक आगे आएगी भी ये बिपिन चंद्र पाल की है ठीक है बिपिन चंद्र पाल जो हम लाल बाल पायल का ट्रायो पढ़ते हैं ना उन्हीं में से एक की है ये अगला हमारा है एंड दैट इज़ हो और हाँ एटीन नाइन्टी सेवन फर्स्ट मे फर्स्ट मे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे यू ऑल नो वाई तो फर्स्ट में क्योंकि इंटरनेशनल लेबर डे होता है ना तो फर्स्ट में एट्टीन नाइन्टी सेवन को जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर बेलूर मठ में था स्वामी विवेकानंद जी का मेमोरियल कहाँ पर है रॉक मेमोरियल ये तमिलनाडु में जहाँ जिस रॉक के ऊपर बैठ के इन्होंने मेडिटेशन किया था वो मंग इज़ द ऑफ़ द बुक द सेलेक्शन डे हाँ सिलेक्शन डे आज यू का रिजल्ट भी आया है ना ठीक <laughs> <laughs> है तो सिलेक्शन डे आज सिलेक्शन हुआ है काफी लोगों का है ना सिलेक्शन कब होता है आपका जब आप अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहते हैं तो अरविंद अडिगा इसमें एक दिखाया गया है जहाँ पे आई थिंक एक मुकेश कुमार करके एक सेंट्रल रोल है मतलब सेंट्रल थीम है और वो चटनी सेलर हैं चटनी बनाते हैं और उनके दो बेटे हैं तो उनको वो हार्डवर्क करते हैं उन दोनों बेटों को अंडर नाइनटीन खिलवाने के लिए वो बुक है द सेलेक्शन डे अरविंद अडिगा जी की अगर हम बात करें ठीक अरविंद अडिगा जी की अगर बात करें तो ये सिलेक्शन डे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके बुक्स हैं ध्यान रखिएगा ठीक है और इनकी है जैसे कि द वाइट टाइगर ठीक है द वाइट टाइगर एंड द लास्ट मैन इन टावर द लास्ट द लास्ट मैन इन टावर ये दोनों बुक्स तीनों बुक्स याद रखिएगा सिलेक्शन डे जब सिलेक्शन हो जाता है तो आदमी को एकदम टावर में चढ़ा दिया जाता है जब जब अब जैसे आज यू का रिज़ल्ट आया है तो भाई जिस जो भी टॉप रैंकर्स हैं उनको टावर पे चढ़ा भाई मिनट्स नहीं लगे सब ने अपने अपने वो क्योंकि सब क्या करते हैं ना सबकी की स्ट्रैटेजी होती है कि फ्री मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं जैसे मैंने भी दिए थे तो फ्री मॉकस ये लोग करवाते हैं और भाई वो स्टूडेंट देता ही है जैसे मैंने भी दिए थे तो फ्री अभी क्या मैं बात नहीं कर रहा करूँ पहले की बात कर रहा करूँ ठीक है तो ये लोग क्या करते हैं कि फ्री में इसलिए रखते हैं सो दैट कि आप आएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो जल्दी से उठा के डाल देंगे अपने चैनल पे। ये दिखाने के लिए कि आप उनके स्टूडेंट हैं अब क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं क्यों ज़्यादा हैं क्योंकि इंटरव्यू में आई थिंक वन थर्ड कैंडिडेट इसी यही रेशियो रहता है वन थर्ड कैंडिडेट बाहर होते हैं बट फिर भी थर्टी थ्री परसेंट आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं इसलिए वो क्या करते हैं ज़्यादातर जितने भी फ्री रखते हैं मतलब काफ़ी रहते हैं रखते हैं, हैं पेड भी रखते हैं ठीक है मॉक्स लेकिन एक एक फ्री तो ज़रूर रखते हैं सब सो so दैट उनके पास एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाए विक्रम सेठ ध्यान रखना ये लीला सेठ जो हमारी फ़र्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट की हिमाचल प्रदेश की बनी थी तो उनके बेटे हैं ये और अ सूटेबल बॉय इनकी किताब का नाम है अब कन्फ्यूजन होगा आपको पता है कब कन्फ्यूजन होगा तब जब ये पूछेगा एन अनस्यूटेबल बॉय ये अनसीुटेबल बॉय जो है ये किताब है करण जौहर की ऐसे याद कर सकते हो करण जौहर अनसीुटेबल है है ना <laughs> ऐसे करके याद कर सकते हो क्योंकि ये इधर उधर बस फालतू की चीज़ों में कॉफ़ी विद करण और ये वो सब चीज़ों में रहते हैं तो अनसीुटेबल है ये हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस तो भाई कौन था हमारा फियरलेस अरे ठीक है भाई है ना तो द फेयरलेस गवर्नेंस की अगर बात करें अमिताभ घोष अनुज धार अनिरुद्ध सूरी या फिर किरण बेदी फेयरलेस गवर्नेंस की अगर बात करें है, कौन था जो फेयर नहीं करता था हमारी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी है ना और इनको मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब मोटिवेशनल कोड्स वगैरह डालती रहती हैं मैडम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इज करेक्टली पेड विद इट्स ऑथर सही पेड है यानी कि करेक्टली सही कौन सा है द शेडो लाइन्स आर के नारायण नो शेडो लाइंस रिकॉल करिए जल्दी से मैंने किसका बताया था शेडो लाइंस तो इनका नहीं है ये शेडो लाइन्स मालगुड़ी डेज आर के नारायण जी का है मालगुड़ी डेज तो याद आ रहा है आपको आर के नारायण जी का मालगुड़ी डेज द गाइड द डार्क रूम देशम्स एक ये है जंपा लेहरी जी का द देश इंटरप्रेटर ऑफ एंड द मैलडीज अर्थ ट्रेन टू पाकिस्तान ये है खुशवंत सिंह ठीक है खुशवंत सिंह नहीं और कौन से लिखी है ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस अमिताभ घोष के अभी देखा सी ऑफ पॉपीज रिवर ऑफ स्मोक द शेडो लाइंस है ना तो दैडो लाइंस किसकी है अमिताभ घोष की है द फॉल ऑफ अ स्पैरो इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिंट देता हूँ ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं मतलब थे कौन होंगे सलीम अली इनके नाम पे बर्ड सेंचुरी भी है और एक नेशनल पार्क भी है दोनों अलग अलग जगहों में जरा बताइए कहाँ पे है बर्ड सेंचुरी है और नेशनल पार्क है तो बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है ये गोवा में है नेशनल पार्क कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे सलीम अली जी के नाम पे श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में लेकिन इनको हम फादर ऑफ इंडियन ऑर्नीथोलॉजी नहीं बोलते हैं पक्षी विज्ञान का पिता नहीं बोलते हैं किसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ऑर्थोलॉजी कॉमेंट में आप बताएंगे ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर द बुक द जोया फैक्टर किरण देसाई सुधा मूर्ति अनुजा चौहान या फिर नंदनी वाजपेयी तो किरण देसाई हैं तो जोया फैक्टर के ऑथर और हमने पढ़ा था एम्बलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं किया एंड सुधा मूर्ति की अगर बुक्स की अगर बात करें तो ध्यान रखना डॉलर बहू इनकी इम्पॉर्टेंट है ठीक है डॉलर बहू और इनकी बेटी आपको पता होना चाहिए है ना ये ब्रिटेन की बहू है <laughs> मतलब जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं आपको पता है ऋषि सुनक जी उनकी वाइफ जो है उन्हीं की बेटी है सुधा मूर्ति जो कि अभी राज्यसभा में नॉमिनेट हुई हैं आपको पता है ना वंस आपके ट्वेल्व मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है तो सुधा मूर्ति भी जी भी अभी रिसेंटली नॉमिनेट हुई हैं अलॉन्ग विद सतनाम सिंह संधू जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं ठीक है द गोपी डायरीज द गोपी बहू नहीं द गोपी डायरीज ठीक है द गोपी डायरीज वाइज एंड अदरवाइज लेकिन डॉलर बहू सबसे इंपॉर्टेंट है वाइज एंड अदरवाइज एंड वाइज एंड अदरवाइज और गोपी वाली थी और एक और थी आई थिंक एक डॉलर बहू हो गई गोपी डायरीज हो गई वाइफ एंड वाइज एंड अदरवाइज हो गई और हाँ ग्रैंड माज ग्रैंड माज स्टोरीज ठीक है ग्रैंड स्टोरीज भी नीकी की बुक का नाम है आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है एस अगेंट क्या एक सेकंड एक सेकेंड ये किरण देसाई जी की नहीं है ठीक है किरण देसाई की तो वो मैंने आपको बताई थी एम्बलेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये नहीं होगी ठीक है अनुजा चौहान है इसकी रियली सॉरी really अनुजा चौहान है इसकी ठीक है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका ज टाइटल एस अगेंस्ट ऑट्स तो एस अगेंस्ट ऑर्ट्स की ऑर्थर कौन है सानिया मिर्जा यस yes. साइना नेहवाल की क्या है साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग टू विन प्लेइंग टू विन एंड मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल आपको ये पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि शेफ डी मिशन के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया था पहले ओलंपिक्स ट्वेंटी के लिए बट इन्होंने पर्सनल रीज़न्स की वजह से उससे वापस अपना नाम ले लिया एक्चुअली में पर्सनल रीज़न नहीं है वो रीज़न तो कुछ और ही है कि मणिपुर में आपको पता है हिंसा काफ़ी टाइम से चली आ रही है और काफ़ी यहाँ के जो आपने देखा होगा एक बॉक्सर ने जीता था वो तो उन्होंने भी इस तरह से वहाँ पे जब उन्होंने जीता तो बोला कि मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मणिपुर में काफ़ी टाइम से हिस्सा हिंसा हो रही है तो उसको सुधारें तो वही रीज़न है क्योंकि जैसे मान लो आप किसी भी पर्टिकुलर एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैरीकॉम जी एक तरह से मणिपुर को रिप्रेजेंट कर रही हैं ना मणिपुर मतलब मैरीकॉम इस तरह से तो वहाँ से भी प्रेशर रहता है कि भाई आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लेके क्यों बात नहीं कर रहे हो बॉयकॉट करो इन चीज़ों को तो ये भी रीजनस होते हैं खैर आइडेंटिफाई दी करेक्ट पेयर लेकिन वो जो हमारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं उनका नाम क्या है चिंता शरद कमल वो आपके टॉर्च बियर होंगे और एक तरह से फ्लैग बियर होंगे ना टॉर्च बियर टॉर्च बियर इंडिया की तरफ से जाएंगे कौन वो जाएंगे अभिनव बिंद्रा जी है ना अ शॉर्ट एट हिस्ट्री जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेस ऑफ नॉवल्स एंड इट्स राइटर फ्रॉम द फॉलोइंग सेवन समर्स मुल्क राजचानंद दी वाइट टाइगर किरण देसाई नहीं अरविंद अडिगा पढ़े थे अरविंद अडिगा वाइट टाइगर और इनकी पढ़े थे वो अभी कौन से पढ़ी थे अभी अडिग होते हैं तो सिलेक्शन द सिलेक्शन डे और अ लास्ट मैन इन टावर अ सूटेबल बॉय ये है किसकी सूटेबल बॉय है हमारे लीला सेठ जी के बेटे हैं कौन एकदम नाम दिमाग से चला जाता है विक्रम सेठ और अनसुटेबल है करण जौहर की अरविंद अड्डीगा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नहीं इनहेरिटेंस ऑफ जो लॉस है ये किसकी है किरण देसाई जी की है आंसर क्या हो जाएगा सेवन से बस इन्हेरिटेंस ऑफ लॉस और एम्बुलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉमेशन किरण देसाई जी की है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट तो विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे देखो यहाँ पे होना चाहिए तो यहाँ पर नहीं है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा ये सभी लोगों को पता है हम लोग मैंने पढ़ी भी थी आई थिंक जब मैं क्लास एट्थ में था आई थिंक हाँ एट्थ में था आ, हाँ एट्थ में ही था आई थिंक हाँ एट्थ में तो ये बुक पढ़ी मतलब पढ़ी नहीं थी बस थी सिलेबस में थी लेकिन टाण में रख दी थी इसको एकदम एकदम कवर वर लगा के और कायदे से टाण में रख दी थी और फिर काफ़ी दिनों बाद मिली या फिर लगा यार ये तो किताब <laughs> स्कूल में मिली थी ये तो कुछ होती नहीं थी, थी किताबें की मतलब फ़ालतू में मिल, मिला करती थी स्कूल से और उनको रख देते थे, थे अलग से संजो के कौन पढ़ेगा भाई तो राजेंद्र प्रसाद जी की नहीं है इनकी तो आत्मकथा है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू की एन ऑटोबायोग्राफी ठीक है हु अमंग दी फॉलोइंग जवाहरलाल नेहरू को भी ध्यान रखना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन ऑटोबायोग्राफी एन ऑटो बायोग्राफी ठीक है अगला हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हु द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवल एनिमल फार्म की ऑथर के ऑथर कौन है चार्ल्स डिकेंस रॉल्ड रोअल्ड दहल ठीक है तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं दूसरा जॉर्ज ऑरवेल और थॉमस uh, हार्डी hmm. तो आंसर होगा यहां पे जॉर्ज औरविल ऑप्शन नंबर बी यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग और चार्ल्स टिकेन्स का ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑलि ट्विस्ट ऑलि ट्विस्ट अगला हमारा फोर्टी थ्री हो द फॉलोइंग इज अ फेमस नॉवल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद ने इसमें से कौन सी नॉवल लिखी है गुनाहों का देवता कितने पाकिस्तान <laughs> रग दरबारी फिर गोदान तो सभी को पता है ये गोदान लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी की और कुछ और हैं जैसे कि एक है ईदगाह कफन ठीक है कफन दरोगा हिंदी तो सबको समझ आती होगी ना काफ़ी साउथ इंडिया के स्टूडेंट उनको बिल्कुल नहीं आती है ठीक है नमक का दरोगा नमक का दरोगा दो बैलों की कथा ठीक है दो बैलों की कथा और एक जो है मैंने खुद पढ़ी थी इनमें से तो मैंने कोई पढ़ी नहीं है निर्मला ये मैंने कोई इस तरह से क्यूरोसिटी में नहीं पढ़ी है <laughs> ये मैंने पढ़ी थी मजबूरी में क्लास ट्वेल्थ में थी ये मेरे क्लास ट्वेल्थ में थी निर्मला आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ी हो ऑरेंज कलर का कवर था भाई साहब पता नहीं क्या ही ऑथर बताना चाह रहे थे उसमें मतलब हो सकता है मैं समझ ना पाया हूँ जो अभी मुझे याद है वो ये है कि इसमें एक आदमी होता है उसके आई थिंक वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो फिर से रीमारिज करता है शादी करता है लेकिन वो उसकी जो वाइफ होती नई वाली वाइफ होती है वो काफ़ी कम एज की होती है। तब तक ये क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी कम एज की होती है वो तो लेकिन उसका लड़का जो होता है बड़ा वाला वो का उस, उसका ऑलमोस्ट हम उम्र होता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ठीक है और मतलब उसको ये लगता है उस आदमी को कि उसकी जो नई वाइफ है और उसका जो बड़ा लड़का है समझ रहे हैं तो फिर बाद में जब उसकी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है वो उसको अपनी माँ के तौर पे देखता है लेकिन वो कुछ और ही समझता है तो ये उस बारे में स्टोरी थी यहीं पे ख़त्म हुई तो मैं समझ नहीं पाया था कि ऑथर मुंशी प्रेमचंद जी बताना क्या चाहते हैं तो मुल्क राज आनंद जी की अगर बात करें तो हमने अब इनकी किताबें का नाम किताबों का नाम देखा है जैसे कि अनटचेबल सॉर्ड एंड सिकल सेवन समर्स अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स तो क्या द गाइड टू आर नारायण की अनटचेबल ऑप्शन नंबर बी अ पैसेज टू इंडिया ये किसकी है ई एम फॉस्टर ठीक है पढ़ी किसी ने ई एम फॉस्टर उसे कॉलेज हॉस्टल भेज देता हाँ लक्ष्मीकांत सिंह हाँ अब याद आया उसे कॉलेज हॉस्टल भेज देता बिल्कुल 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 सर लिबासना कब जाना लिबासना नहीं होता वो ना होता है भाई वो लाल बहादुर शास्त्री सर मत सुनाओ कहानी ठीक है नहीं सुना रहे सर उस समय छोटे थे दीडी, अच्छा डीडी अच्छा डीडी पर आती थी क्या ये पता नहीं द मिड नाइट्स चिल्ड्रेन इज़ अ नॉवल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स तो किसकी सलमान रश्दी के हम पढ़ चुके हैं सलमान रश्दी की मिड नाइट चिल्ड्रन द लास्ट द मोवर्स लास्ट आई दैटनिक वर्सेज और चेतन भगत चेतन भगत की भी कोई मतलब ये याद करने वाली थोड़ी ना अपने आप याद होंगे अभी देखना तुम फाइव पॉइंट सम वन मतलब न्यूमेरिक्स नुम, देखने को मिलेंगे इनकी किताब में थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ फाइव पॉइंट सम वन थिंग्स नॉट टू डू एट आई आई टी बिकॉज आई आई टी डेली से पास आउट है चेतन भगत जी ठीक है और थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ टू स्टेट्स इस पर मूवी भी बनी थी थ्री इडियट्स भी इन्होंने मतलब उस पर भी मूवी बनी थी और, और कौन सी थी एक तो ये हो गई फोर हंड्रेड डेज फोर हंड्रेड डेज अब देखो गर्ल इन रूम गर्ल इन रूम वन इंडियन गर्ल देख ना नाम मतलब नाम ऐसे रखो कि पढ़ते एकदम क्यूरोसिटी जाग उठे वन नाइट एट कॉल सेंटर अब तुम्हें नहीं लगता तुम पढ़ोगे नहीं इसको है इस पढ़ते ही तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये नहीं जाएगा कि एक रात कॉल सेंटर में क्या आग लग गई होगी क्या लोगों से ओवर टाइम करवागे ना ना हमें पता है क्या कॉल सेंटर में होता है रात वो रात में वो भी कॉल सेंटर में हम सब समझ गए ठीक है <laughs> तुम्हारा दिमाग वहीं गया होगा सीधे है ना या, मेरा भी गया <laughs> Which of the following novels is based on the partition of India and was written by Kushwah Singh? तो so, Kushwah Singh किधर है कौन से लिखी कि the Great Indian Novel, Untouchables, Nako Train to Pakistan. अभी यार मैंने बताया Train to Pakistan and Kushwah Singh जी की है Truth, Love and a Little Malice. ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं। The Great Indian Novel किसकी है? शशि थरूर जी की है है ना Untouchable, Mulkraj Anand. दी फेमस नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय तो किसने लिखी है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स शशि थरूर रस्किन बॉन्ड विक्रम सेठ या फिर रंधवती रॉय अभी मैंने बताया रंधुति रॉय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और एन ऑर्डिनरी मैंस गाइड टू एम्पायर और इसी के लिए इनको बुका प्राइज मिला शशि थरूर आई मतलब फिर से रिपीट करते हैं वाई एम हिंदू एन एयर ऑफ डार्कनेस अम्बेडकर आर लाइफ प्राइड प्रेज पंडेट्री एंड ये अभी हमने देखा द ग्रेट इंडियन नॉवल स्किन बॉन्ड की मैंने आपको बताई है एक तो अ हैंडफुल ऑफ नट्स मैंने लिखवाई है और एक और लिख सकते हैं ब्लू एम्ब्रेला ठीक है द ब्लू एम्ब्रेला और विक्रम सेठ की अटेबल बॉय वेटिंग फॉर अ वीजा ये किसकी है वेरी फेमस पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हिंद देता हूं आर्टिकल थर्टी टू को इन्होंने ही बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नन अदर दैन आर डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर जी ठीक है इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस मुझे पता है काफ़ी लोग बायसनेस में रहते हैं खासकर जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं जैसे माई माई सेल्फ बींग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट तो शुरू से मैं इस चीज़ का एक्सेप्ट करता हूँ कि थोड़े मेरे भी वो पॉइंट थे कि इन्हीं की वजह से वो रिजर्वेशन मिला है और ये रिजर्वेशन गलत चीज़ है देन धीरे 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 जब चीज़ें पढ़ते हो तब आपको पता चलता है जब आपका आप अपना नॉलेज का बेस थोड़ा बढ़ाते हो कि भीमराव राव अम्बेडकर जी मतलब कोई वही नहीं है कि भाई इन पर डिबेट किया जाए कि कैसे थे कैसे नहीं है डिबेट करना ही मूर्खता होगी इन इनपे ठीक है मतलब इतने ग्रेट पर्सनैलिटी हैं भीमराव अम्बेडकर जी पढ़िएगा ठीक है और किस किस आ, मतलब मुसीबतों को उन्होंने झेला और फिर भी इतने भयंकर रूप से पढ़ाई करी कि इनके सामने कोई टिकता नहीं था तभी ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अंबेडकर जी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा बाकी आपके जो ओपिनियंस हैं वो हो सकते हैं ठीक है थीके? तो अंबेडकर जी की कुछ और भी किताबें हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए फ़िलासफी ऑफ हिंदुज़म और ऐसा नहीं है कि मतलब ये पूरी तरफ से कुछ खिलाफ थे बस वो चाहते थे उनका मेन था कि भाई जो समाज में असमानता है ये ना होनी चाहिए ठीक है और ठीक है हो सकता है कि अम्बेडकर जी एक ऐसे इंसान है मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि आज आज अगर वो होते तो कुछ लेवल पे मतलब वो इस चीज़ का भी सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं कि हाँ भाई जो टॉप लेवल पे अगर किसी को रिजर्वेशन मान लो मिल चुका जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे टीना डाइप डाबी आपको पता है आई ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थी 2015 थाउजेंड में आई थिंक जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का है ना तो वो एसी कैटेगरी से थी उनके फादर और मदर मतलब दोनों आई थिंक सर्विसेज़ में हैं ठीक है थीके? तो कायदे से देखा जाए तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए लेकिन अभी तो मिलता है तो हो सकता है अम्बेडकर जी उस चीज़ के खिलाफ होते इस ये इस तरह की ग्रेट पर्सनैलिटी थे ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है फिलासफी ऑफ हिंदुज़्म हो गया आपका एंड द बुद्धा द बुद्धा एंड हिज एंड हिज धम्मा ठीक है ये जो किताब है ये वाली किताब ये ये लिख रहे थे अपने लास्ट टाइम बिकॉज आपको पता है इन्होंने लास्ट अपने लाइफ में इन्होंने बुद्धि बुद्धिज़म को अडॉप्ट कर लिया था और बुद्धिज़म को अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने और लास्ट फेज ऑफ लाइफ में इन्होंने ये बुद्धों पे किताब लिखना स्टार्ट किया था और जैसे इनकी किताब कंप्लीट हुई थी उसके कुछ ही दिन बाद आई थिंक चार पांच दिन बाद इनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद इनकी डेथ के बाद इस बुक को पब्लिश किया गया था ठीक है तो फिलोसफी ऑफ द बुद्ध एंड एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट एनी ऑफ कास्ट एन हीशन ठीक है एन ही लेशन ऑफ कास्ट चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन हु फॉलोइंग इज द हिंदी नॉवल राग दरबारी के ऑथर कौन है श्रीलाल शुक्ला राहुल संकृत्यान प्रेमचंद या फिर काशीनाथ सिंह हाँ जी बताइए कितने क्वेश्चन है सर क्वेश्चन सर इसमें 80 हैं ठीक है थीके? अगला तो आंसर क्या होगा श्रीलाल शुक्ला तो शुक्ला जी का दरबार लगा हुआ है ऐसे याद कर लो शुक्ला जी का दरबार लगा हुआ है फिफ्टी क्वेश्चन बाद तक कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे द फिल्म बेस्ड ऑन विच द फॉलोइंग नॉवल्स बाई अमृत प्रीतम वॉन दी नेशनल फिल्म अवार्ड तो ऐसे याद रखिए प्रीतम एंड पिंजर प्रीतम एंड पिंजर ठीक है क्वेश्चन 51 वन दी ऑथर ऑफ द मालगुड़ी डेज सिंपल चेतन भगत के सब पढ़ चुके हैं कौन कौन से रिपीट करें फाइव पॉइंट सेवन थ्री मिस्टेक ऑफ माइले ले फोर हंड्रेड डेज टू स्टेट मतलब न्यूमेरिक्स देखने को मिल रहे हैं और बाकी तो सब रेवोल्यूशन टाइप है रेवोल्यूशन ट्वेंटी ट्वेंटी यहाँ भी न्यूमेरिक्स है इंडिया वन इंडियन गर्ल गर्ल इन द रूम वन नाइट एट द कॉल सेंटर ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर के हम जानते हैं गीतांजलि एन के इसी के लिए इनको लिटरेचर में नोबेल नोबेल प्राइज मिला था नाइनटीन थर्टीन में पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था विक्रम सेठ अ असूटेबल बॉय अब आपको रट गया होगा आर के नारायण मालगुड़ी डेज द गाइड एंड द डार्क रूम अब द पैलेस ऑफ इल्यूजंस रेंडिशन ऑफ द हिंदू एपिक महाभारत वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट चित्रा बनर्जी दिवाकरनी प्रतिभा रे देवी यशोधरन इंदु सुंदरसेन तो ये किसने लिखी कौन सी महाभारत ठीक है महाभारत एक सेकेंड महाभारत नहीं है द पैलेस ऑफ इल्यूजंस ठीक है द पैलेस ऑफ इल्यूजंस तो ये लिखी ऑप्शन नंबर प्रतिभा रे तो होंगी नहीं हमारी प्रतिभा रे होंगी नहीं ये भी नहीं होंगी इंदू सुंदरसेन भी नहीं होंगे वो तो हमने वहाँ पे देखा था इंदु जी को यह होंगी आपकी चित्रा बनर्जी दिवा क्रोनी ठीक है चित्रा बनर्जी दिवा क्रोनी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है न, हाँ ठीक है फिफ्टी थर्ड पोवर्टिया एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाइनटीन जीरो वन किसने लिखी पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में किसने लिखी और हाँ अब मुझे याद आ रहा है हिस्ट्री से कि मैंने तुमसे पूछा था फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं तो ये एलन ऑक्टोवियन ह्यूम को बोलते हैं एओ ह्यूम को बोलते हैं है ना तो पोवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया जो है जिसने जिसने कि कांग्रेस का फाउंड किया था एटीन में तो ये लिखी थी दादा भाई नरोजी जी ने ऑप्शन नंबर बी जिसमें कि इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बात कही थी कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं लूट रहे हैं प्लंडर कर रहे हैं और इनकी एक हमें पता होना चाहिए दैट इज़ वीकली एंड दैट इज़ रस्त गोफ्तार रस्त गोफ्तार इन्होंने अपने जो पारसी जो भाई बहन है उनके लिए पब्लिश की थी रस्त गुफ्तार और हमारे पहले इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे दादा भाई नरोजी जी और इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया की पोवर्टी लाइन दी थी अनऑफिशियल पोवर्टी लाइन थी बट इन्होंने ही दी थी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को और इन्होंने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी कब करी थी जरा कॉमेंट में आप बताएँगे उमेश चंद्र बनर्जी को हम क्या पढ़ के क्या इनके बारे में पढ़ते हैं कि पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ठीक है और अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका बना था इन द ईयर 1866 सिक्सटी सिक्स बाई दादा भाई नरौजी ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस अगेन टी से ट्रूथ ट्री से ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह देख चुके हैं ठीक है थीके? अगला है हमारा हुआ दी ऑथर ऑफ द फेमस बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे दादा भाई नरोजी जी ने लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इन इंडिया जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करी इसी तरह से हमारे आर सी दत्त नॉट पी सी दत्त ये कन्फ्यूज़ करने के लिए इसने दिया सी एच एस एल में क्वेश्चन पूछा गया आर सी दत्त ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा यहाँ पे हु इज यू ऑथर द बुक द सेवन साइंस ऑफ बींग मदर सेवन सॉरी नॉट साइंस सेवन सिंस सेंस मतलब आप जानते हो पाप ट्विंकल खन्ना ताहिरा कश्यप खुराना आलिया भट्ट या फिर करीना कपूर तो इनकी तो अभी देखा ठीक है प्रेगनेंसी ऑफ़ प्रेगनेंसी बाइबल आलिया भट्ट अभी काफ़ी टाइम है दिमाग विकसित हो विकसित होने में आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ताहिरा कश्यप खुराना जो कि आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं टू जी सागर फोल्ड्स बुक वॉज रिटन बाई तो आप सभी ने आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ना सुना हो लेकिन मैक्सिमम लोगों ने टू जी स्कैम के बारे में सुना होगा जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था इसमें इन्वॉल्व थे जो मेन सेंटर फिगर थे वो थे आ, आंदी मुतु राजा डी पार्टी के लीडर हैं आंदी मुतु राजा ठीक है तो उन्हीं की किताब है टू जी सागर अन काफी बड़ा स्कैम था ये जो 2G के लिए लाइसेंस मिलता है ना तो वो उस समय ये टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे ये ए राजा तो इन्हीं के खिलाफ चार्जेस लगे हुए थे नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी है पूनम सूरी एंडी मरीनो आ, दमन सिंह या फिर राघव बहल तो किसने लिखी है ये आपके ऑप्शन नंबर बी एंडी मरीनो ने लिखी है ठीक है ऑप्शन नंबर बी एंडी मरीनो अगला क्वेश्चन है हमारा एंड दैट इज हु अमंग दॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड इज धमा हुई अपियर इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन आफ्टर दी डेथ ऑफ इट्स ऑथर कौन है हमारे अभी देखा हमारे द ग्रेट बी आर अम्बेडकर जी ठीक है अगला है हमारा और महात्मा गांधी जी की ऑटोबॉग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड इस सत्य के साथ मेरे प्रयोग हु अंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फास्टिंग फीसटिंग फास्टिंग फीसटिंग ये किसकी बुक का नाम है झुम्पा लहरी झुम्पा लहरी जी की हमने बुक्स देखी थी ठीक है वो तो होंगी नहीं द नेम से एक द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज एंड अनअकस्टम डर्थ अरुंधति रॉय की भी देखी थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड दी ऑर्डनरी मैंस गाइड टू एम्पायर आंसर होगा अनिता देसाई ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा ठीक है अनीता देसाई और जब देश आई तो उसने फास्ट किया मतलब व्रत रखा ऐसे करके आप याद कर सकते हैं सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट इज़ अ बुक रिटर्न बाय तो किसकी किताब है आंद्र आंध्रे रसल नहीं अभी तो क्रिकेट से फुर्सत अभी नहीं मिली इनको किरण पोलार्ड अभी इनको कोचिंग से फुर्सत नहीं मिली है क्रिस गेल ठीक है कमला पसंद वाले है <laughs> ना आ, कपिल देव के साथ कि क्या बोलते हैं वो कि टाइम है अलग लेकिन स्वाद है एक है ना बोलो दुबा के और ये कौन है बोले जो कोयल वाले मून वॉक अब मेमोयर रिटर्न बाई विच फेमस म्यूजिश म्यूजिक पर्सनैलिटी मून वॉक तो मून वॉक कौन करता था माइकल जैक्सन ऑप्शन नंबर ए द पैराडाइज ऑफ फूड ये किसने लिखी है जिसके 2022 में जे वो वाली जे नहीं योगी जी वाली ठीक <laughs> है जे सी बी प्राइज़ किस मिला तो ये मिला आ, खलीद जावेद को ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा अगला है हमारा विच इंडियन म्यूजिशियंस ऑटोबायोग्राफी इज़ टाइटल्ड रागमाला किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम रागमाला है रविशंकर विश्व मोहन भट्ट जाकिर हुसैन या फिर अमजद अली खान ठीक है तो किसका हुआ है मैं हिंट देता हूँ आपको कल कल इनके बारे में पढ़ा था इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक बताओ <coughs> तो रागमाला रागमाला है पंडित रविशंकर जी का ऑप्शन नंबर ए माई लाइफ माई म्यूजिक इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है कल हमने पढ़ा था रविशंकर जी के बारे में और सितार वादक क्या पढ़े थे उस्ताद विलायत खान उस्ताद इमरात खान हमने पढ़ा था और शाहिद परवेज़ पढ़ा था अनुष्का शंकर जी पढ़ी थी है ना विश्व मोहन भट्ट इन्होंने जो है मोहन वीना शुरुआत करी थी मोहन वीना इन्हें गिटार का एक्सटेंडेड फॉम हमने देखा था जाकिर हुसैन जो हमारे तबला प्लेयर हैं 2023 में पद्म विभूषण मिला मोस्ट नंबर ऑफ ग्रामीज़ इनको मिला द मोमेंट नो एल्बम के लिए इनको मिला शक्ति इनका करके बैंड है जिसके लिए इनको अभी तीन इस बार ग्रामीज़ मिले तो टोटल पाँच ग्रामीण हो गया रविशंकर केवी जी के भी पाँच ग्रामीणी और पहला ग्रामीण इनको वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला था और इनके फादर का नाम क्या अल्ला है अल्लाह राखा जो कि हमारे तबला प्लेयर हैं है ना सपन चौधरी हमारे तबला प्लेयर हैं अनोखे लाल मिश्रा हमारे तबला प्लेयर हैं निखिल घोष बिक्रम घोष हमारे तबला प्लेयर हैं लेकिन पन्ना लाल घोष किसके प्लेयर हैं ये आप कॉमेंट में बताएंगे विच द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज़ वॉज तो पन्ना लाल घोष जी को आप कैसे याद करेंगे पान से याद करेंगे याद है आपको पान से हाँ तबला हाँ सर योर वॉइस इज अच्छा सर uh, कितना क्वेश्चन है टोटल अब uh, बताया तो अमन परवेज जी ओहो अमन परवेज शाहिद परवेज को जानते हैं क्या आप <laughs> शाहिद परवेज हमारे कौन से प्लेयर है सितार पर, है ना सितार के तो uh, शाहिद परवेज सॉरी क्या नाम था तो, क्या परवेज थे आप uh, यार मैं भूल गया सॉरी तो परवेज़ साहब अस्सी क्वेश्चन हैं ठीक है भैया द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी वो रिटन बाई दी इंडियन फिल्म एक्टर बलराज साहनी तो बलराज साहनी हमारे <laughs> जो स्कूल का वो था मतलब क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको जो स्कूल का मालिक होता है तो बलराज ही था उन, उनका नाम था मतलब ठीक है मतलब ज़्यादा मैं लाइक करता नहीं था ना एक बार थप्पड़ मार दिया था भाई ने मेरे को <laughs> और मेरी गलती थी नहीं उसमें तब से मुझे ये नाम रट गया बलराज बलराज कोई भी दिख जाता है ना मेरे अंदर का जो गुस्सा ना वो जाग उठता है <laughs> और मुझे पता है वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था उस दिन जिस इस दिन इसने हरकत करी थी खुद का गुस्सा जो है मेरे पे निकाल दिया था इसने द एक्ट ऑफ लाइफ मैं एक हरफन मौला मेरी फिल्म मेरी आत्मकथा आई एम नॉट एन आईलैंड तो आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरी फिल्म मी आत्मकथा ठीक है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा और बलराज से मैंने आपको एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपको याद करवाया था अगर आपको याद हो वो मैंने याद कराया था वॉल वॉल्तरे कहाँ का है राजस्थान का अगर आपको याद हो ठीक है वॉल कहाँ का है हाँ फ्लूट सबका सही आंसर है वो हमारे जो मैंने पन्ना लाल घोष बताया था तो पान से याद किया था हम लोगों ने वो हरिप्रसाद चौरसिया जी है ना जो पीलीभीत फ्लूट जीआई टैग है ना वॉल्तरे तो वॉल्तरे कहाँ का है राजस्थान का ठीक है राजस्थान का है अगला हमारा 66 वीच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज वॉज रिटन बाई इंडियन फीमेल पोएट कमला दास हु वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन नाइनटीन एट्टी फोर माई स्टोरी और पता है इनकी वाइफ का नाम क्या था जो हमारे मतलब ये थे बलराज साहब थे इनका बलराज के कुछ नाम था इनकी वाइफ का नाम था वीना साइलस वीच ऑफ द फॉलोइंग मतलब वो मेन प्रिंसिपल थी ये तो ऐसे ही बस थप्पड़ अपप्पड़ मारने के लिए आया करते थे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायग्राफीज वॉज रिटन बाई द इंडियन फीमेल पोइट कमला दास हु वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन फॉर लिटरेचर इन 1984। तो कमला दास माई स्टोरी माई लाइफ लेस ऑर्डनरी माई लाइफ अ पार्ट या फिर ये तो आंसर क्या होगा माई स्टोरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला है विक्रम अर्जुन विजय कम्पोज बाई पंपा वॉज रिटर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज संस्कृत तमिल तेलगू कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था तो संस्कृत और कन्नड़ तो होगा नहीं थोड़ा सा नाम से भी अगर यहाँ पर जाएँ तो कर सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर होगा तेलगू अ लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज़ अ बायोग्राफी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन तो किसकी ये मतलब है सभी जानते हैं हमारे एस रामानुजन जी की है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा ठीक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ़ द नोटेबल बुक्स अच्छा ये भी आप जब आप यू के एस करने जाओगे तो जैसे वो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है, है ना तो वो रा, रामचंद्र गुहा जी की है तो वो आपको नहीं पढ़नी है लेकिन ये वाली आपको पढ़नी है ये इंपॉर्टेंट किताब होती है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये है बिपिन चंद्र जी की ऑप्शन नंबर डी जितने भी यू देते हैं सभी ऑलमोस्ट पढ़ते ही यही किताब लेकिन कौन कितने अच्छे से पढ़ता है वो डिसाइड करता है कि सिलेक्शन किसका होगा ना फ्रीडम इन एक्जाइल इस दी वैसे तो ऐसा नहीं कि यार जो अच्छे से नहीं पढ़ते उनका सिलेक्शन नहीं होता है मतलब बहुत लोग होते हैं जब आप घुसेंगे इसमें भाई ये नहीं बोलना घुसना ही है देखो पता है ये जरूरी नहीं होता कि आप एस एस सी हो गया तो यू पी एस सी है काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आए थे तो मैंने उनको यही बताया था जरूरी नहीं कि नहीं एस एस सी के बाद यू पी एस सी होता है अरे भाई बाकी भी चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लोर करो मन है तो दो नहीं तो ज़बरदस्त थोड़ी नहीं एस एस सी तो यू पी एस सी अब इससे और बेटर हो जाएगी लाइफ ज़रूरी नहीं है कि और बेटर हो जाए लाइफ हो सकता है और बेकार हो जाए लाइफ ठीक है तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए एस एस से भी बेटर हो है ना फ्रीडम इन एग्जाइल इज ऑटोबायोग्राफिकल बुक तो किसकी है मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये हमारे दलाई लामा जी की है ना फ्रीडम इन एग्जाइल ये मतलब किस चीज़ का फ्रीडम इन एग्जाइल तो आपको पता है कि ये तिब्बत है तिब्बत में चाइना कंट्रोल है, है ना है तो फ्रीडम लेकिन है एक तरह का वो एग्जाइल तो इन्होंने एक तरह से शरण ले रखी इंडिया में और इसी बात से चाइना चढ़ चर्ण चढ़ता है कि क्यों तुमने दलाई लामा को शरण दे रखी है गलपा गुच्छा रिटर्न बाई रबींद्राथ टैगोर इज़ अ कलेक्शन ऑफ़ डिवोशनल सॉन्ग्स पोएम्स इंग्लिश शायरी तो शायरी वारी मन नहीं मारते थे हमारे टैगोर साहब यह है आपकी शॉर्ट स्टोरीज ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इन दी आफ्टरनून ऑफ टाइम इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाई तो किसकी ऑटोबायोग्राफी इन दी आफ्टरनून ऑफ टाइम तो हिंट देता हूँ मैं भाई शाम को हम क्या करते हैं शाम को हम जो है मधुशाला में जाते हैं है ना तो <laughs> मधुशाला और इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी है हरिवंश राय बच्चन जी की है ना क्या आपको पता है जो बच्चन जो है कोई कास्ट नहीं होती बच्चन करके इनको मतलब टाइटल ले लिया है अरविंद राय बच्चन और अमिताभ बच्चन ने लेकिन इनकी जो एक्चुअल कास्ट है श्रीवास्तव है वो पता है आपको कितने लोगों को पता है डैश डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किताब किसने लिखी जिसमें कि आइडिया ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बताया एडवर्ड जेनर नहीं एडवर्ड जेनर ने किसकी वैक्सीन की खोज करी थी जरा बताइए चार्ल्स डार्विन आंसर होंगे रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी जल्दी से बताइए अगला है हमारा सेवेंटी फोर्थ विच ऑफ दिस विच ऑफ दिस इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट हमारे लास्ट के छः क्वेश्चन सब आ गए हैं ठीक है थीके? लास्ट के छः क्वेश्चन में विच ऑफ इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट नॉवल ऑफ आनंद नील कंटन टाइटल है ये सर हाँ तो आंसर क्या होगा असुर द टेल ऑफ वैंकिस्ट सत्य के प्रयोग मॉटल्स ऑफ मेलुआ तो ये देख चुके हैं अमीश त्रिपाठी आंसर क्या होगा असुर वाला होगा ठीक है आंसर आया नहीं यार अभी ठीक है सही कहा सही है सही है स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स सही है ठीक है और पोलियो की किसने करी थी जनाज सॉक ने करी थी है ना तो कादंबरी किसने लिखी ये लिखी थी हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे बान भट्ट जिन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखी थी ना? है ना हर्ष चरित्र याद है किसने लिखी थी जो हर्षवर्धन की बायोग्राफी थी बान भट्ट ने लिखी थी और कादम्बरी भी इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और इनके बेटे ने कम्प्लीट किया था बाद में और हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी थी रत्नावली लिखी थी प्रिय लिखी थी और एक नाग से नाम शुरू हो रहा था बताइए उसका नाम क्या था फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्स फ्रीडम एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम लाला लाजपत राय जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी महात्मा गांधी तो एन ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बताया किसकी ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू के ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही आंसर होगा ठीक है आगे बढ़े चलो सेवनटी सिक्स ऑफ द बुक सॉरी एपिक पोयम पद्मावत पद्मावत किसने लिखा है स्ट्रीम पढ़ा था मलिक मोहम्मद जैसी ने ठीक है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा कालीदास जी की अगर कर बात करें तो कौन कौन सी कालीदास जी की तो कालीदास जी की बहुत हैं जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम ठीक है अभिज्ञान वैसे तो ये जे लिखते हैं अभिज्ञान करके लिखते हैं ठीक है मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ अभिज्ञान शकुंतलम मेघ दूतम मेघ दूतम जहाँ पर मेघ को दूत बना के भेजा गया है किस लिए भेजा गया होगा आप जानते हैं लव स्टोरी ठीक है ये भी लव स्टोरी है ठीक है मालविका अग्निमित्र लव स्टोरी है मालविका अग्निमित्र अग्निमित्र किसका बेटा था जरा बताइए किस रूलर का बेटा था ऋतु समहारा ये सब किसकी बुक है कालीदास जी की है ठीक है और अग्निमित्र पुष्यमित्र सुंग का बेटा था ठीक अगला हमारा ऋतु समहारा और द सिक्स सीजन ऋतु समारा सिक्स सीजन के बारे में बताया किसने कालिदास जी ने तुलसीदास जी की अगर बात करें तो आप जानते हैं रामचरित मानस ठीक है रामचरित मानस और गीतावली ठीक है गीतावली दोहावली हरी सेन की ध्यान रखना हरी सेन किसके कोर्ट पोएट थे जरा बताइए हरी सेन किसके कोर्ट पोएट थे जल्दी से प्रयाग प्रशस्ति वीना एक भी बैटल नहीं आ रहे थे कौन नेपोलियन ऑफ इंडिया वी ए स्मिथ के द्वारा समुद्र गुप्त है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ वाइड एंगल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ तो वाइड एंगल भाई वाइड एंगल किसकी ऑटोबायोग्राफी होगी जो बॉलिंग करता होगा सिंपल सी बात है बॉलिंग कौन करता था बॉलिंग करते थे हमारे वसीम अक्रम करते थे लेकिन ये नहीं होंगे युवराज सिंह की तो क्या है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ देख चुके हैं टेस्ट ऑफ माई लाइफ इमरान खान नहीं इनके तो एल लगे पड़े <laughs> अनिल कुंबले ऑप्शन नंबर डी हो इज़ ऑफ द बुक टाइटल दी वाइट टाइगर अरविंद अड्डिगा सिंपल हमने देखा है अरविंद अड्डि जी की वाइट टाइगर है लास्ट मैन इन टावर है और सिलेक्शन डे है मुल्क आनंद की फिर से रिपीट करें मुल्क राज आनंद की अनटचेबल स्वॉर्ड एंड द सिकल यानी कि हंसिया और तलवार अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द सेवन समर्स और किशवंत सिंह की ट्रेन टू तो पाकिस्तान एंड ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कर्म योद्धा ग्रंथ बुक वॉज रिलीज बाय विच द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस तो किसने रिलीज़ की ये बुक तो आप जानते हैं किसने रिलीज़ करी अमित शाह ने जो कि मोदी जी पे बुक बेस्ड बुक है ये ठीक है ऑप्शन नंबर ए क्लियर यहाँ तक किसी का को कोई डाउट अब कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं थोड़ी सी वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो आप जरा पूछ लो एक ब्रेक ले लेते हैं मतलब तो ब्रेक टाइप नहीं मतलब किसी कोई डाउट हो तो उस सेंस में पूछ रहा हूँ सभी लोग एक डीप ब्रीथ ले लेंगे और जो लोग सीधे नहीं बैठे हैं सीधे बैठ जाएंगे ना <laughs> मोटा भाई बुक लिखते नहीं है मोटा भाई बुक पब्लिश करते हैं देखो यहाँ पे ध्यान से क्या दिया हुआ है ठीक है रिलीज करिए रिलीज करते हैं वो लिखते लिखने के लिए तुमको पता है टाइम होगा उनके पास है नो डाउट नो नो है डाउट जल्दी करो सर अच्छा <laughs> जल्दी करें हम्म चलो तो अभी आते हैं कुछ और बुक्स ठीक है जैसे कि आप बताएंगे ये जल्दी जल्दी आप बताएंगे ठीक है एक तो हमारे ए पी जे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ए पी जे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है और भगत सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम हुं 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 और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ठीक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए जल्दी से सांस से रुक गई अच्छा कोलेब्स कर गया क्या तुम्हारे ट्रैकिया में क्या रिंग्स ऑफ काटलेज नहीं है क्या तुम्हारे टूथपेस्ट स... <laughs> में नमक नहीं है क्या उसी तरह तुम्हारे ट्रैकिया में क्या काटलेज नहीं है क्या विंग्स ऑफ फायर सबका सही है ठीक है बहुत जल्दी है इसको हाँ विंग्स ऑफ फायर ठीक है विंग्स ऑफ फायर बस पाँच छः बुक्स और हैं विंग्स ऑफ़ फायर होगा गया इग्नाइटेड माइंड भी इनकी है ठीक है मतलब ऑटोबायोग्राफी तो विंग्स ऑफ फायर है लेकिन किताब ध्यान रखना है दैट इज़ इग्नाइटेड माइंड्स ठीक है भगत सिंह जी की अगर बात करें तो भगत सिंह की है वाई आई एम एन अथीस्ट वाई आई एम एन अथीस्ट मैं नास्तिक क्यों हूँ वर्गीस कुरियन जी की है जो कि जिनको क्या फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं ठीक है ऑपरेशन फ्लड याद आ रहा आपको द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नहीं वो तो रामानुजन जी की है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस यानी कि जो इम्पॉसिबल काम है वो भी कर दिखाया किसने वर्गीज कुरियन एक तरह से अमूल के जो फाउंडर हैं ठीक है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस कुछ और किताबों के नाम यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास करता हूं जैसे कि अब कुछ देख लेते हैं स्पोर्ट पर्सन के ठीक है द इम परफेक्ट या फिर इम परफेक्ट इज सिंपल इम परफेक्ट किसकी इम परफेक्ट नाइस गाय हु फिनिश्ड लास्ट नाइस गाय हु फिनिश्ड लास्ट हु फिनिश्ड लास्ट स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव और अभी जो मैं अगली लिखने वाला हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के उससे चांसेस हैं अभी बताता हूँ वो कौन सी है चलो मैं हिंट देता हूँ ठीक है बताना इट इज़ द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय अ फीमेल पर्सन ऑफ आई अमेन इन इंडिया बताइए इम है संजय मांजरेकर जडेजा के दुश्मन <laughs> पता नहीं जड़ेजा से क्या दिक्कत है भाई इनकी भैंस खोल ले गए कि क्या नाइस गाय हु फिनिश लास्ट द्रविड़ हाँ, हमारे द वॉल की है ना राहुल द्रविड़ और स्ट्रेट ड्राइव ये हाँ 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 देखो यही होता है जब आप के जुबान पे कुछ और और दिमाग में कुछ और हो भाई जुबान पे पहली बात तो देखो वो नहीं है केसरी नहीं है मेरी जुबान ध्यान रखना ठीक है स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव ये है किसकी ये है आपकी कौन है लिटिल मास्टर क्या नाम है यार उनका गावस्कर साहब ठीक है सुनील गावस्कर की और वो जो किताब जो मैं भी मैं लिखने जा रहा हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द फर्स्ट फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाई एन इंडियन बाई एनी इंडियन वमेन और इसका नाम है क्या अमर जीवन ठीक है इसको तो एकदम रट लेना एकदम ठीक है अमार जीवन हमारा जीवन ये किस लैंग्वेज में होगी जरा बताइए तो ये है हमारी रा सुंदरी देवी जी की ठीक है तो ये होगी आपकी ऑब्वियसली अमार जीवन किस तरह की लैंग्वेज अमार जीवन ठीक है पहला बाईशॉक कहाँ कहाँ बंगाली होगा ठीक है फिर अगर हम बात करें मेन कैंप किसकी है मेन कैंप और ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये भी इम्पोर्टेंट है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर और एक बॉडी बिल्डर्स जो हमारे जिम लवर्स हैं उनके लिए भी एक ले लेते हैं एंड दैट इज़ टोटल रिकॉल टोटल रिकॉल कौन है जिसने जिम कल्चर शुरू किया मतलब पक्का जानते हो जो लोग जिम जाते होंगे अगर थोड़ा वीडियोज वगैरह देखते हैं जिसमें एक्चुअली जिमिंग के फादर माने जाते हैं वो मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके हैं ठीक है मीन कैंप की अगर बात करें अरे यार रुक जाओ मीन कैंप की के अगर बात करें तो हिटलर की है अडोल्फ हिटलर ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये बराक ओबामा की है ठीक है बराक ओबामा टोटल रिकॉल आर्नोल्ड स्वाजनेगर ठीक है आर्नोल्ड स्वाजनेगर भाई मैं लिख नहीं पाऊंगा इतना डिफिकल्ट नाम है आर्नॉल्ड स्वाजनेगर ठीक है और किसी की बच्ची कलाम साहब की हो गई भगत सिंह जी की हो गई वर्गीज कुरियन जी की हो गई हाँ कुछ और भी लिखो जैसे कि सल्ट्री डेज किसकी है सल्ट्री डेज और माइंड मास्टर किसकी है कौन है हमारा पहला ग्रैंड मास्टर इंडिया का माइंड मास्टर और अ बंच ऑफ अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ठीक है एंड द लास्ट बुक फॉर द डे इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माई टाइम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माई टाइम किसके बुक है सल्ट्री डेज शोभा डे की है ठीक है शोभा डे जी की बुक है माइंड मास्टर पहले ग्रैंड मास्टर हमारे विश्वनाथन आनंद ठीक है विश्वनाथन आनंद जी हैं अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये लेटर्स लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को तो जवाहरलाल नेहरू इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है एन ऑटोबायोग्राफी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माय टाइम स्टीफन हॉकिंग द ग्रेट साइंटिस्ट इनको भी वही न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर था स्टीफन हॉकिंग जी को भी ठीक है उसके बावजूद भी इन्होंने इतना कर दिया ठीक है अब तुम्हारी फेमस बुक जैसे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखी ज सिंह ने द किस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखी होगी गेस करो और एक तुम में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है रिक्की टिकी टावी रिक्की टिकी टावी आई थिंक पोएम हुआ करती थी ये भी आई थिंक क्लास इलेवंथ या ट्वेल्थ में थी जहां पे मोंगूज दो तीन मोंगूज थे मतलब नेवले थे उनकी स्टोरी थी ये बताइए और आनंद मठ तो यार सबको पता होगा आनंद मठ चलो तो यहाँ पे खत्म करते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं तो यहाँ पे हमारी होती चीज़ें खत्म द किस ऑफ माई लाइफ किसकी होगी गेस <laughs> करो आ, सही गेस हमारा इमरान हाशमी नजर जान <laughs> 90s के लड़कों का रोल <laughs> मॉडल रिकी टेकी टैवी ये किसने लिखी थी ये रुडार्ड किपलिंग ने लिखी थी ठीक है रुडियार्ड किपलिंग और आनंद मठ आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी चलो भाई तो ख़त्म होता है लेक्चर आज का थैंक यू सभी को बाकी जिन लोग काफ़ी लोग पूछते रहते हैं ये कहाँ जाती हैं वीडियोज़ तो बैच की वीडियोज़ हैं बैच के अंदर जाती हैं ठीक है एस एस सी जी के बैच टू पॉइंट है ओ है उसी के अंदर ये वीडियोज़ जाती हैं आपकी ठीक है अब अलग तरह से कुछ पेमेंट का सिस्टम हो गया है आपको पता होगा जो लोग पेमेंट अगर करेंगे तो एप्लीके वहाँ पर जब क्लिक करते हैं ना पे नाव पे तो व्हाट्सएप एक नंबर मांगेगा कि कहाँ पर लिंक रिसीव करना चाहोगे पेमेंट वाली डायरेक्ट पेमेंट अब नहीं होता है ऐप में क्योंकि वो चेंज करना पड़ा है क्योंकि गूगल की पॉलिसी आई है तीस हम लेंगे तो इसी जो है ऐप डेवलपर्स ने नया तरीका निकाला है जिसके थ्रू वो उतना आ, मतलब नहीं लेंगे मतलब हम लोगों को तो देना पड़ेगा पे करना पड़ेगा जो ऐप आप डेवलपर्सन को कुछ सर्टेन पार्ट ये सब लिंक विंग जनरेट करने के लिए लेकिन वो तीस परसेंट से काफ़ी कम होगा नाइन्टीज़ के जॉनी भैया हाँ नाइन्टीज़ के जॉनी भैया हैं हाँ थैंक यू आस्था जी विनीत जी विश्वनाथन आनंद सही है सौरभ एग्जैक्टली आठ बजे एंड हुआ है बिल्कुल आता भले टाइम पर ना हूँ लेकिन खत्म एकदम टाइम पे करता हूँ <laughs> तेजी होनी चाहिए बस Your view on upcoming elections, sir. भाई मैं नहीं रखूंगा ठीक मेरे मेरे है आप लोग जजमेंट पास करने लगते हो तुरंत जरा सा कुछ बोल दो नॉवेल ऑफ कमला नॉवेल ऑफ कमला पसंद क्रिस गिले सही था गुरु नॉवेल ऑफ कमला पसंद <laughs> सर आज के क्या वर्ष जहाँ अच्छा फाइव हंड्रेड के होते ही फेस सर अच्छा नहीं नहीं मीना जी अभी नहीं फाइव हंड्रेड के पे नहीं वन मिलियन पे पक्का ठीक है वन मिलियन पे होगा ओ बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ये देख चुके हैं हिस्ट्री में देख चुके हैं ठीक है बादशाह नामा वगैरह जो ये बुक्स हैं ये सब हिस्ट्री में देख चुके हैं अब्दुल हामिद लाहौरी लिखा है काम सूत्र के लेखक वात जी हैं ठीक है लिख सकते हैं आप इसको भी <laughs> मतलब मतलब की बुक पूछते है एकदम है ना तो काम सूत्र के लेखक कौन है वाद सहन जी वैसे इम्पोर्टेंट है ये ठीक है और कोई बुक याद नहीं आ रही होगी <laughs> सनी लियोनी की बुक नहीं नहीं भाई उनकी बुक नहीं है अभी तक तो वो लिखती नहीं है सीधे कर देती है ना वाद इतने इतनी याद कैसे रखें रेपिटेशन से याद होंगी यार ठीक है नोट्स मिल जाएंगे रेपिटेशन तो करना पड़ेगा कुछ अपने खुद के नमोनिक्स आपको बनाने पड़ेंगे जिससे कि आपको याद हो मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही करवाई है आपको यहाँ पे ठीक है हाँ जी नोट डाउन आप कर सकते हो जागृतिज व्लॉग्स है ना सेक्सोफोन फोन के राइटर अबे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्सोफोन के लिए बता दो थे हाँ <laughs> नौरा जी की बुक अब कुछ डाउट आउट है नहीं तुम लोगों का तो यही डाउट पूछो कि नोरा जी की बुक है सनी लियोनी जी की बुक है उसकी बुक ना बता दे तुम्हें तो वो कौन है वो क्या नाम है उसका जो अजीब टाइप के कपड़े पहना करती है वो क्या नाम है उसका क्या नाम है उसका रूफी जावेद है ना? रूफी जावेद तो उसकी बुक ना बता दें अंधेला परमार सर अंधेला परमार सर हाँ हाँ ठीक है चलो भाई थैंक यू सभी को धन्यवाद मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ थैंक यू